देखो, ये जो चैप्टर है आपका, वो है चैप्टर नंबर कौन सा? 8। इसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी सिखाई जाती है। और ऐसे चैप्टर के क्वेश्चंस को छेड़ने से पहले आपके अंदर बहुत सारे गट्स होने चाहिए। रीज़न बिंग कि इसमें सभी चैप्टर्स के प्रोविजंस आते हैं। इसमें आपसे इनकम भी कंप्यूट कराएंगे, टैक्स लाइबिलिटी भी कंप्यूट कराएंगे, और जो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है 14 मार्क्स का, जो कि कंपलसरी होता है। अब कंपलसरी का मतलब समझ लीजिए कि अगर आपका पेपर 100 नंबर का है, उसमें से 14 मार्क्स का पेपर अगर आप छोड़ दें तो कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे होंगे? 86 में से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। और अगर मैं थ्योरेटिकल की बात करूं तो अगर 70 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 14 का छोड़ दीजिए, तो कितने में से अटेम्प्ट कर रहे हैं आप? 56 में। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन इतने ज़्यादा कंपलसरी हैं। आगे बस आज हम क्या करें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरे पूरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और एग्जाम में अगर आएंगे तो कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, क्या ये बात समझ। तो सारे चैप्टर, सारी पढ़ाई एक तरफ, इस चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझना एक तरफ, क्योंकि ये 14 मार्क्स है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। आगे बात समझ में। एक दो क्वेश्चन अगर छोटे छोटे आए तो हम इसी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो तीन चीज़ें पूछ ली इसने, पहली चीज़ रेजिडेंशियल स्टेटस, दूसरी चीज़ टोटल इनकम जिस पर टैक्स लगने वाला है, और टोटल इनकम का मतलब GTI निकालोगे आप और डिडक्शन माइनस करोगे। तीसरी चीज़ क्या पूछी इसने आपसे कि टैक्स लाइबिलिटी भी निकालो। जब भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी तो एंट्रीज होंगी कम, क्या ये बात समझ आई। अब आगे चलते हैं। ऑन सच इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, इसलिए कौन से ईयर की कंप्यूटेशन करनी है आपको, 22-23 की। आगे चलते हैं। वुड हर रेजिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज अज्यूमिंग दैट शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया सोर्स इनकम 18 लाख है जो कि टैक्स नहीं लगता उस पर यूएसए में। तो आपको पता है इसमें एक स्टेट अमेंडमेंट आई थी कि इनकम 15 लाख से अगर आपकी इनकम क्या है, ज़्यादा है, तो आप अमीर हो और इसके सेक्शन के अंदर आने देंगे। लेकिन उसके भी कुछ पॉइंट्स थे कि कम से कम कितने दिन होने चाहिए, 120, 182 ना हो गए, कम से कम कितने हो, 120, और पिछले 4 साल वाला पॉइंट था उसके अंदर। तो पहले एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते, बताइए पहले क्या कंप्यूट करें, इनकम या पहले रेजिडेंशियल स्टेटस? पहले रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं यहाँ से वर्किंग नोट शुरू कर रहा हूँ इसके। क्या एग्जाम में हम पहले वर्किंग नोट बना सकते हैं? आंसर इज यस, आप पहले वर्किंग नोट बना सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हमने इसके बनाए वर्किंग नोट, पहले हमने बनाया वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, और उसमें क्या चेक कर रहे हैं हम इसका, रेजिडेंशियल स्टेटस कौन से साल के लिए, रेजिडेंशियल स्टेटस 22-23 लिखूं या प्रीवियस ईयर 22-23 लिखूं? प्रीवियस ईयर 22-23। अब प्रीवियस ईयर 22-23 के रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? पहली चीज़, जो ईयर 22-23 है उस ईयर में वो कितने दिन रही है, और पिछले 4 साल, इन दोनों का ही कैलकुलेशन। अगर मान लीजिए 182 दिन या इससे ज़्यादा आ गया इसमें, तो क्या पिछले 4 साल मैटर करेंगे? नो, वो तो जब हम 7 साल और 2 out of 10 देखेंगे तब मैटर करेंगे। तो आ गए हम क्वेश्चन में। मिस चार्ली अमेरिकन नेशनल है, गॉट मैरिड टू राधे ऑफ इंडिया इन USA ऑन, कब शादी हुई है उनकी? 2/3/2022। जिस दिन शादी हुई है उससे मैटर करेगा या जिस दिन इंडिया में है उससे मैटर करेगा? एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कब? 16/3/2022। अब बच्चे कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि शादी राधे से हुई है तो इंडिया में ही हुई होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। उसने आगे लिखा है कि पहली बार इंडिया में कब आई है, 16 मार्च 2022, और हमें कौन से साल के लिए निकालना है, 22-23 के लिए। अब 16 मार्च 2022 बताओगे कौन से प्रीवियस ईयर में आता है, 16 मार्च 21-22। इसका मतलब क्या है कि मुझे पिछले साल की और इन्फॉर्मेशन है 21-22 की। 16 मार्च को अगर आई है तो बता सकते हो कितने दिन रही है? अगर वो 16 मार्च को आई है तो कितने दिन रही है? क्या जिस दिन आई है उस दिन भी माना जाता है? आंसर इज यस। और 16 के बाद कितने, 15। 16 के बाद कितने, 15। तो एक और दिन 16 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, 16 डेज का स्टे हो गया उसका। कौन से साल में? 22-23 में, 21-22 के अंदर। और फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब क्या है, क्या इससे पहले इंडिया में आई है? इससे पहले इंडिया में नहीं है। इसके दो कंक्लूजन निकल गए, पहला कंक्लूजन ROR नहीं बन सकता, दूसरा कंक्लूजन ना तो 60 दिन वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा और ना ही 120 दिन वाला। बताओ क्यों? क्योंकि 60 दिन वाले में भी पिछले 4 साल में 365 दिन चाहिए और 120 वाले में भी पिछले 4 साल में 365 दिन चाहिए, तो दोनों ही फेल हो गए। बस मुझे अब क्या चेक करना है, 182 डेज अगर वो इस साल में है तो बात सही है, अदरवाइज नहीं। समझ पा रहे हो एप्लीकेशन कहाँ चल रही है इसकी? ठीक है, तो अब हम आए, अब वो 1/4 से इंडिया में ही है, यहाँ पर आई है अभी गई नहीं है, अभी मुझे चेक करना है। तो पढ़ते हैं फटाफट से। शी लेफ्ट ऑन कब, 19/9/2022 को एंड रिटर्न टू इंडिया अगेन 27 मार्च 2023 को। सुनो जरा ध्यान से,
यहाँ पर 27 मार्च को वो दोबारा आई तो कितने दिन रही होगी इस साल में? इस साल में 27, 28, 29, 30, 31, तो कितने दिन हो गए? 5 दिन। तो 5 दिन तो एंड में रही, और उसके बाद नेक्स्ट, और इसमें कितने दिन रही? कब गई थी यहाँ से बताइए? 19-9 को, तो 19-9 तक निकालिए फटाफट से, कितने दिन आते हैं? एक, जल्दी से, 19, तो इसका मतलब यहाँ पर रही 172 डेज, उसके बाद इंडिया से चली गई और फिर इंडिया में आई, और उसके बाद अगले साल रह रही होगी। अब अगले साल क्या मुझे इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है? नहीं। इसका मतलब मुझे मिले 172 डेज प्लस 5 डेज, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 177 डेज। तो 177 डेज वो इंडिया में है, तो क्या उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या होगा बताइए? क्या रेजिडेंट है? रेजिडेंट है? नहीं है। तो मैं क्या बोल दूं, रेजिडेंशियल स्टेटस कौन सा है? एनआर। बेसिक कंडीशन वगैरह आप लिख के दिखा देंगे एग्जाम में, एनआर की कैलकुलेशन समझ आ गई आपको? आगे बात समझ में? मौका क्यों नहीं मिल रहा उनका बताओ। उन्होंने कहा वुड योर आंसर डिफर, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, वुड योर आंसर डिफर, अगर उसका इनकम 18 लाख हो तो हम बताएंगे उसे प्रोविजन की 18 लाख, 15 लाख से इंडियन सोर्स की इनकम ज़्यादा होने पर आपको एक मौका और मिलता है, जिसमें उसके 120 दिन वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है लेकिन पिछले 4 साल में 365 दिन वाली नहीं हो रही, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद अब क्या निकालना है मुझे उसका बताइए? अब इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो ये आ गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 2। पहले क्या निकालें, इनकम या लायबिलिटी? इनकम ही निकालनी पड़ेगी, तो पहले हम निकाल रहे हैं टोटल इनकम फॉर अ प्रीवियस ईयर 22-23। अब चलते हैं इनकम में कितनी लाइन्स उन्होंने हमें दी हुई हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। रिटर्न वगैरह हो गया, ठीक है। उसने एक शोरूम परचेज किया है मुंबई में कौन सी तारीख को? 30-4-2022 को, विच वॉज लीज्ड आउट टू अ कंपनी ऑन अ रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ फ्रॉम 1-5। तो कहाँ से रेंट चले? 1-5 से। कितने महीने का रेंट हो गया? 11 महीने का। 1-5 से रेंट पे चढ़ाया है, तो 1-4 तो काउंट नहीं करेंगे हम, तो 11 महीने का रेंट मिल रहा है उसको, ठीक है। शी हैड टेकन फ्रॉम अ बैंक फॉर परचेज ऑफ दिस शोरूम ऑन एवरेज विच हैज चार्ज इंटरेस्ट कितना? 97,500। ये सब कौन से हेड में जा रहा होगा पहले तो मुझे ये बताइए? हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। शी हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग कैश गिफ्ट्स फ्रॉम द रिलेटिव्स वगैरह से, ये मिले तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है एक, तो अब जो गिफ्ट मिले हैं वो कहाँ जाएंगे? IOS में। तो IOS की इनकम आपके सामने ये रही, पढ़ते हैं। पेरेंट्स से गिफ्ट मिला है बताइए, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इवन इफ 50,000 से ज़्यादा है, क्या टैक्स लगेगा? हस्बैंड के पेरेंट्स फैमिली के डेफिनेशन में आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं। गिफ्ट वाले केस में सभी फैमिली की डेफिनेशन में आते थे, याद करो, खुद के माता पिता भी, स्पाउस के माता पिता भी, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सब आते थे। आगे, मैरिड सिस्टर के हस्बैंड से मिलेंगे, क्या टैक्स लगेगा? आंसर इज नो। उसके बाद नेक्स्ट, दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और उनसे गिफ्ट मिला है 1,72 का, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, तब भी लगेगा, क्या उससे कोई लेना देना है? आंसर इज नो, रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते। क्या ये बात समझ में आई? हाँ। अब मैं पहला जो हेड निकाल रहा हूँ उसका वो कौन सा होगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड, और हाउस प्रॉपर्टी हेड में मैं लिखूंगा GAV। क्या GAV की कैलकुलेशन के लिए मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है या सिर्फ रेंट ही ले लो? सिर्फ रेंट। कितने का रेंट था? कितने का रेंट था? 25,000। तो 25,000 पर मंथ इंटू 11 कितना आ रहा है? 2,75,000। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। म्यूनसिपल टैक्स वगैरह क्या कुछ दिया था क्वेश्चन में? आंसर इज नो। तो मैं इसी में से माइनस कर दूं अगर म्यूनसिपल टैक्स, तो क्या बच जाएगा? NAV। क्या यही मेरा NAV होगा? तो हमने माइनस किया, कुछ नहीं मिला, और माइनस करने पर 2,75,000 आ गया। नेक्स्ट, अब इसमें से माइनस करेंगे हम दो चीज़ें, बताइए डिडक्शंस। कौन कौन से सेक्शन की डिडक्शंस है, क्या आपको याद है? अंडर सेक्शन 24 वाली डिडक्शन से, पहली डिडक्शन कौन सी होती है? 24A, क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितने की मिलती है वो? एट द रेट 30%। बताइए 30% अमाउंट कितना आएगा? 82,500। ये किसका निकलता है? 2,75,000 का, ये तो पता है आपको। उसके बाद क्या इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था इंटरेस्ट भी है? 97,500 का। अब सुनो जरा ध्यान से, 30,000 माइनस हो गया, 2,00,000 माइनस हो गया, 97,500 पूरा माइनस होगा, बताओ रीजन क्यों? ये लेट आउट वाला केस है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती, जरा इसको ऐड करिए, टोटल कितना आ रहा है? ऐड करके 97,500 ही था ना ये जी, कितना आ रहा है? 1,80,000। ये 1,80,000 की मेरी डिडक्शन हो गई हैं। अब मेरा जो इनकम आएगी वो आएगी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी।
कितना 95,000। अब 95,000 है प्लस क्या मेरे पास एक और हेड था, कौन सा हेड था, आईओएस, उसकी दो इनकम तो एग्जेम्प्ट थी, एक ही इनकम पे टैक्स लगेगा, वो कौन सी थी, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड। वन लैख 72,000 ये आ गई है हमारी जीटीए की। इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट वगैरह दी हुई है उसकी जो हम डिडक्शन के लिए पढ़े? नहीं, खाली इतनी ही क्वेश्चन है, और जो जीटीआई होगा वही टोटल इनकम होगा क्योंकि डिडक्शन इसके अंदर है नहीं। तो फटाफट से हम इसको ऐड कर लेते हैं, बताइए कितना आएगा। ये ऐड करने के बाद आया क्या है, इस ऐड करने के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं, जीटीआई। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आएगी बताओ, 2,67,000। और इसमें से अब मैं उसे माइनस करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर हम क्या माइनस करते हैं बताओ, डिडक्शन कहाँ से कहाँ तक की होगी, अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U। बताइए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी माइनस होगी, 50,000 कब आता है जल्दी बताओ, 50,000 बोल रहे थे ना, तो वो सैलरी वाले केस में आता है, क्या सैलरी के अंदर कुछ है, नहीं है, आगे बात समझ में। तो इसमें कितना आएगा, निल, कोई भी डिडक्शन नहीं है। अब वापस आ गए तो यही मेरी क्या बन जाएगी, टोटल इनकम। अमाउंट फिर भी यही रहेगा 2,67,000। क्या ये बात समझ में आए, पक्का? क्या इसके अंदर कोई भी स्पेशल नेचर की इनकम है, क्या इसके अंदर कोई भी स्पेशल नेचर की इनकम है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस पे टैक्स कितना आएगा? इनकम तो हमने निकाल ली है, दूसरे पॉइंट का आंसर कर दिया, अब निकालते हैं टैक्स कितना आएगा। एज चेक करनी पड़ेगी क्या टैक्स के लिए? यस, अगर एज के बारे में कुछ ना लिखा हो तो क्या मानेंगे, 60 से प्लस है, 80 से प्लस है, 60 से नीचे, 60 से नीचे है। बताइए फटाफट से टैक्स कितना आएगा, टैक्स निकालना सिखाया हुआ मैंने, रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि नॉन रेजिडेंट है इसलिए, तो टैक्स तो लगेगा। 2,50,000 पे कुछ नहीं होगा, बचे कितने, 17,000 लिख के दिखाऊंगा यहाँ पर, अप टू 2.5 लाख निल, और कितना बचा बैलेंस, 17,000। उस पर रेट क्या लगेगा, 5%, कितना आएगा, क्या सर इसी पे टैक्स लगेगा, यस, इस 850 पे अब ऐड कर दीजिए क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, कितना आ रहा है, 34 रुपये, और ऐड कर दीजिए 884, इसे बोलेंगे आपके नेट या टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब सुनना जरा ध्यान से, क्या क्वेश्चन ने कहीं भी आपसे ये बोला था कि आपको 115 के प्रोविजंस, 115 बीएसी के एप्लीकेबल नहीं होंगे? नहीं। फिर आते हैं हम सवाल पे, अगर मैं 115 बीएसी लगा के देखूं तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें दोबारा ऐड करनी पड़ेंगी? देखिए आईओएस में कुछ मैंने माइनस किया नहीं, डिडक्शन मेरे पास है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में वो कुछ बोलते नहीं थे, और लेट आउट का इंटरेस्ट है तो भी कुछ नहीं होगा। तो जब मैं ऐड बैक करने जाऊंगा तो क्या इनकम सेम हो जाएगी? आंसर इज यस। तो चाहे मैं 115 बीएसी लगाऊं या ना लगाऊं, पहले 2,50,000 के ऊपर कौन सा परसेंटेज लगता है, निल, अगले 2,50,000 पर 5%, तो क्या इनकम सेम ही रहेगी? आंसर इज यस। तो वो यहां पर हम लिख देंगे नोट, इवन नोट समझ लीजिएगा इसका, इवन, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं भी एक्सप्रेसली मना नहीं किया कि 115 बीएसी लगेगा नहीं, ठीक है, इवन इफ दी एसएससी, कौन है एसएससी, जो भी नाम है वो लिख देंगे यहां पर, ऑप्ट्स फॉर 115 बीएसी, देन हर टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी विल रिमेन सेम। एएमटी के बारे में तो कुछ नहीं बोलना आपको, एएमटी के बारे में तो लिखा नहीं है ना उसमें, कौन सी चीजें हमें नहीं मिली बताओ इसके अंदर, 35AD नहीं मिला, QQB, RRB, JJAA, ये सब कुछ भी नहीं मिला हमें, इसलिए कुछ नहीं, बस इतनी बात आपको जरूर बता के, क्योंकि 115 बीएसी हर क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल होता है, और ये आपका आंसर होना चाहिए 884। पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पे आएंगे, वो सारी चीज़ें स्टेप वाइज चेक करेंगे कि 177 डेज ही आ रहे थे और इस वाले में 16 डेज आ रहे थे, ये आ गई बात समझ में। इसीलिए उसे क्या बोल दिया गया, नॉन रेजिडेंट, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? उसके बाद आ जाते हैं, फिर उन्होंने कहा अब हाउस प्रॉपर्टी पे आ गए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आई थी हमारी, 95,000, इनकी भी 95,000 है, और ये रहा 1,72,000, और ये रहा इनकम 2,67,000, और ये रहा टैक्स लायबिलिटी 884। और हमने एक चीज़ और नहीं की यहाँ पर, बताई गई राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट ऑफ रुपीस 10, तो यहाँ पर लेंगे राउंडेड ऑफ, बताइए 880 करूँ या 890 करूँ, ठीक, अगर 885 होता तो
हाँ तो 90 कर दें, आगे कर दें। जब एग्जैक्ट आधा होगा तो आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ ऐसे समझ लो, ठीक है। अब उसने देखो दो तीन बातें बताई होंगी उसको नोट में। पहली चीज़, एक तो रिबेट क्यों नहीं मिली, पढ़िए, चार्ली एक नॉन रेजिडेंट है इसलिए 87A की उसे रिबेट नहीं मिली, जबकि उसकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इधर पढ़ लो, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर चार्ली वुड रिमेन द सेम इवन इफ शी ऑप्ट्स टू पे इट्स टैक्स अंडर 115BAC सिंस ही वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। वो वाली डिडक्शन उसे मिल जाएगी क्योंकि ये कौन से वाले का है, लेट आउट का, और बाकी सारे प्रोविजन सेम रहेंगे। हाँ रिबेट होता है, जितने का टैक्स बनता है उतना ही माइनस हो जाता है 5 लाख तक की इनकम पर। अब अगर मान लीजिए टैक्स आपका 880 का बनना है तो 880 की रिबेट में 12,500 के टैक्स तक आपको रिबेट मिलती है कि 12,500 ही टैक्स बनता है। और ये जो रिबेट है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले दी जाती है, बाद में दी जाती है? पहले दी जाती है, पहले माइनस कर लो उसके बाद टैक्स लगाना। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक। अब उन्होंने कहा अगर हम चेंज कर दें, सुनो जरा ध्यान से दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। उसने कहा अगर 18 लाख वाला केस करें तो क्या आपका आंसर बदलेगा? देयरफॉर रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं आएंगे। समझ में आया? क्योंकि पिछले 4 सालों में कोई स्टेट नहीं। हाँ जी, रेजिडेंट अगर होते तो क्या देते? रिबेट देते 880 की, उतने की रिबेट दे देते ना, 850 की। ये तो आता ही नहीं। हाँ 12,500 के टैक्स तक, 850 में से 850 माइनस हो जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन से सप्लाई ही नहीं है। समझ आ गया बात? हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? नहीं, 5 लाख तक की इनकम पर 1200 है, तो 5 लाख से क्रॉस होते रिबेट कैंसिल हो गई ना। 6 लाख की अगर इनकम है तो रिबेट मिलेगी ही नहीं, 5 लाख तक की इनकम पर मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? कुछ नहीं करना ना फिर आपको, रिबेट तब मिलेगी जब 5 लाख से कम है इनकम या 5 लाख। क्या ये बात समझ में? ये है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में आते हैं, ठीक है? इधर आते हैं बड़े वाले क्वेश्चन, हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम पीजीवीपी में काफी सारे कर चुके हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ श्रीमती निरंजना फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब प्रीवियस ईयर 22-23। अंडर द रेगुलर प्रोविजन, रेगुलर प्रोविजन जो नॉर्मल कहता है क्वेश्चन वैसा करना है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन, ये कैसा वाला क्वेश्चन है जो कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? नेट प्रॉफिट से। तो प्लस माइनस करना है और क्वेश्चन को पढ़ना। क्या ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं? यस। अब आते हैं वापस की क्या आपको ध्यान है, ये कौन सा क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप भूलें ना प्रोविजन को, प्रोविजन मैं आपसे ही पूछूंगा। आगे बात समझ में? कहाँ से शुरू करूँ क्वेश्चन को बताइए? पहले हम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो तुमने निकाला हुआ है नेट प्रॉफिट। रिकंसिलेशन पढ़ा है भाई कॉस्ट में? अरे नालायक मना कर रहा है, पिटोगे बहुत। कॉस्ट में रिकंसिलेशन नहीं पड़ा, प्लस माइनस? अभी याद आएगा देखना अचानक से। कितना है? 4,40,400। अब सुनो यार ध्यान से, बताओ हम किस तरीके से पढ़ते थे? पहले तो हम पढ़ेंगे टेबल को, कहीं इसी में कुछ ना मिल जाए, उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे, फिर उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में? आगे आते हैं टेबल पर। उसने लिखा है मेडिसिन कंज्यूम, कुछ करूँ क्या अभी के लिए? नहीं। उसने लिखा है स्टाफ सैलरी, बताओ क्या करूं अभी के लिए? कुछ भी नहीं। अगर इसके बारे में कुछ लिखा होगा तो देखेंगे। उसके बाद क्लिनिकल कंज्यूमेबल है, रेंट पेड है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, अमाउंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च है 1.5 लाख है, और 1.5 लाख ही माइनस होगा 100%। अभी तक कोई दिक्कत नहीं दिख रही है आपको? हम आ गए इधर, कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस है, ये उसकी इनकम है पीजीबीपी की, तो कोई परेशानी है क्या हमें? नहीं। लेकिन इनकम टैक्स रिफंड मिला है, इस इनकम टैक्स रिफंड में 5,440 की अमाउंट है, 5,450 की, जिसमें से 5,000 प्रिंसिपल रिफंड है और इंटरेस्ट 450 है। बताओ क्या करेंगे? यहां से तो पूरे को माइनस कर देंगे, 5,000 को एग्जेम्प्ट कर देंगे क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं होता, और 450 कौन से हेड में चला जाएगा? 450 चला जाएगा आईओएस में। इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, याद आया क्या आपको? इनकम टैक्स रिफंड में इनकम टैक्स जो रिफंड होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स रिफंड पर जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है और हेड चेंज हो जाता है। हेड कौन सा? आईओएस। अभी तो मैं पीजीबीपी की इनकम को सुधार रहा हूँ, क्या ये बात समझ? तो ये 450 की इनकम आईओएस में मिल जाएगी। हम यहाँ पर एडजस्टमेंट लिख रहे हैं, फिर इनके आंसर से मैच कर लेंगे प्लस माइनस। क्या ये बात समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। डिविडेंड मिला है जो उसने अपनी इनकम में ऐड कर रखा है और ग्रॉस है, बताइए क्या करेंगे? माइनस। कौन से हेड में जाएगा? आईओएस। विनिंग मिला है किसी टीवी से, नेट ऑफ टीडीएस 15,000, नेट करके दिया हुआ है 15,000 माइनस करके, तो पहले तो हम यहाँ से 35,000 उड़ा देंगे पीजीबीपी से, और फिर 50,000 आईओएस मिल जाएंगे।
क्या ये वाली बात समझ में? अब इसे रेंट भी रिसीव हुआ है, बताओ रेंट रिसीव हुआ है तो देखना पड़ेगा रेंट कौन सा रेजिडेंशियल हाउस से, किस तरीके से वो देखेंगे एक बार क्वेश्चन में आ गया था। रेंट जो तुमने पे किया है इसके अंदर 30,000 की एक पेमेंट है जो तुमने चेक से पे किया टुवर्ड्स रेंट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इन सूरत, तो जो रेजिडेंशियल हाउस की इनकम है इसे यहाँ से हटा दो और कहाँ ले जाओ हाउस प्रॉपर्टी। क्या ये बात समझ में है? ठीक है आगे। क्लिनिक एंड इक्विपमेंट्स इस तरीके से, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था 1,4 को, ओपनिंग WDV 5,00,000, बताइए रेट क्या होगा। प्लांट एंड मशीनरी में आता है 15%, 15% का हाफ करूँ या पूरा पूरा करूँ? पूरा पूरा माइनस होगा, स्टार्टिंग वाला है। 7/12 को एक्वायर किए हैं तुमने चेक से 2,00,000 रुपए के, 7/12 मतलब अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से पहले, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7.5%, बताइए डेप्रिसिएशन फटाफट से निकाल के, ये आ गया 15,000 और ये आ गया। इसका क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे हम इसका। आगे बात समझ, अगर कहीं क्वेश्चन में ये लिखा होगा था कि क्लिनिकल इक्विपमेंट्स हमने बाय किए हैं तो जो बाय किया होता है उसे एडबैक करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, याद है आपको? कोई भी अगर इधर एसेट लिखी हुई है तो हम उसके परचेज को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं और डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। क्या ये बात समझ में है? आगे चलते हैं। तुम्हें रेंट रिसीव हुआ है रिलेटिव से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो कि सूरत में है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है? GAV 27,000 है, म्यूनसिपल टैक्स 2,000 पे किए हैं दिसंबर में एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो जो तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हैं उसमें 2,000 की गड़बड़ है, तो बताओ क्या करेंगे? उस 2,000 को क्या कर देंगे? एडबैक, बाकी तो माइनस हो ही रखा है। क्या एडजस्टमेंट अभी तक समझ आ रही है? ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने। आगे, उसे सैलरी मिली है कितने की? 7,500 फुल केयर हॉस्पिटल में, विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द अबव, जो भी चार्ज उसे मिले, तो ये कौन से हेड में जाएगी? सैलरी हेड में। अब सैलरी 7,500 इंटू 12 करो कितने आ जाएगा? ये 90,000 तुम्हारी सैलरी हेड में शो हो रहा होगा। अगर सैलरी के नाम पे कुछ और मिला तो ठीक है, अदरवाइज इसमें से 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन देके सैलरी हेड की इनकम आ जाएगी आपकी कितनी? 40,000। समझ आया? आगे चलते हैं। डॉक्टर निरंजन ने अवेल किया है एक लोन 5,50,000 का फॉर हायर एजुकेशन, याद करो कौन सा सेक्शन? ATE पढ़ा था हमने डिडक्शंस में, ठीक है। फॉर हर डॉटर शी रीपेड द प्रिंसिपल ऑफ 1,00,000 इन इंटरेस्ट देयर ऑन है 55,000, बताओ कौन सा माइनस होता है, प्रिंसिपल या ब्याज? ब्याज माइनस होता है। कितने का? 55,000। लिमिट कितनी थी इसमें? कोई लिमिट नहीं थी इसमें, इससे आगे वाला था जिसमें 1,50,000 की लिमिट थी जो हाउस वगैरह के लिए होता था, याद है आपको, एडिशनल इंटरेस्ट के लिए। आगे, शी पेड 1,00,000 एज ट्यूशन फीस नॉट इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट वगैरह यूनिवर्सिटी के लिए, बताओगे ट्यूशन फीस कौन से सेक्शन में आती थी? 80C के अंदर ट्यूशन फीस की जो पेमेंट है, कितना माइनस हो जाएगा? पूरा पूरा 1,00,000। आगे, उसने एक अमाउंट है 28,000 का जो पे किया है चेक से 27 मार्च को मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, कौन से में जाएगा बताइए? 80D। क्या मिल जाएगा? आंसर इज येस। तो हमारे पास 3 डिडक्शन हो गई, इसकी लिमिट 25,000 थी लेकिन उसकी एज देखेंगे, बताइए कितना माइनस करूं? पूरा माइनस होगा। आगे पास में सीनियर सिटीजन आ गया है और पूरा पूरा 28,000 ही माइनस होगा, एज से फर्क समझ आ गया। अगर एज 60 से नीचे होती तो 25,000 माइनस करते। क्वेश्चन ने मुझसे इनकम पूछी है, टैक्स पूछा है, ये बताइए। फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम, बस टोटल इनकम, टैक्स नहीं पूछा है आपसे। क्या अगर टैक्स पूछा होता तो बताओ क्या करते हम? अप टू 3,00,000 तक एग्जेम्प्ट, 3,00,000 से 5,00,000 तक कितनी इनकम होगी? 2,00,000, उसमें निकालते 5% और उसके बाद नॉर्मल प्रोविजन। क्या ये बात समझ में? अब एक बार इसी के सॉल्यूशन में देखते हैं, क्या सैलरी में 7,500 ही है, 90,000 है और डिडक्शन 50,000 है और 40,000 पे टैक्स लगेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27,000 की थी जो कि हम हाउस प्रॉपर्टी में ले आएंगे और PGP से हटा देंगे और इसके म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे और इसका 30% माइनस कर देंगे। इसमें समझ आ रहा है? अलग से सॉल्व करो जल्दी से, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। आगे, फिर आया प्रोफेशन में। प्रोफेशन में हमने कहा पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रॉफिट, फिर जो रेंट रिसीव हुआ है वो हटा देंगे क्योंकि हम कौन से हेड में ट्रीट कर रहे हैं उसको, हाउस प्रॉपर्टी में। उसके बाद जो तुम्हें डिविडेंड मिला है 10,500 का वो भी हटा देंगे, ये IOS में चलाया। जो विनिंग है 35,000 की वो भी हटा देंगे, कहाँ जाएगा? IOS। और इनकम टैक्स रिफंड पूरी की पूरी अमाउंट हटा देंगे, इनकम टैक्स रिफंड मिला है लेकिन 450 कहाँ चला जाएगा? IOS। यहाँ से तो पूरा माइनस होगा, IOS में कितना जाएगा? 450 या 5,450, तो पहले एक बार IOS निकाल लेता हूँ मैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ये इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड दिख रहा है आपको, डिविडेंड दिख रहा है आपको, और इनकम में कितना ऐड करेंगे, 35,000 या 50,000? 50,000। ये समझ आया आपको? अब आगे देखिए, वापस आ गए ऊपर। फिर कुछ खर्चे थे, हमने कहा डेप्रिसिएशन निकाला था हमने, कि इतना ही आया था हमारा डेप्रिसिएशन,
75,000 और 15,000 ये हमने माइनस कर दिया है, वो उसने रीजन बताया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर जो रेंट तुमने पे किया है अपने रेजिडेंशियल हाउस के लिए, जो पर्सनल एक्सपेंस है वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, एडबैक। और जब तुमने म्यूनसिपल टैक्स 2,000 के पे किए, कि हमने लिख दिया था वहाँ पर 2,000 एडबैक, समझ आ गया, ठीक है। ये IOS की इनकम है, आप डिडक्शन में आ गए। क्या 80C वाली डिडक्शन मिल जाएगी 1,00,000 वाली, यस। 80D वाली मिल जाएगी क्या, यस। ई वाली मिल जाएगी क्या, यस। ये रही डिडक्शन। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? अब इनका क्या आया वो छोड़ दीजिए, पहले हम कहेंगे हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर निकालेंगे पहले, ठीक है। कैलकुलेटर उठाइए फटाफट से। 440,400 लिखी कैलकुलेटर पे नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब स्टार्टिंग से चलेंगे यहाँ से, उसमें से माइनस करिए 5,450। पहले हम PGBP की इनकम निकालते हैं जी, माइनस कर दिया आपने। उसके बाद माइनस करिए आप डिविडेंड फ्रॉम UTI 10,500, फिर विनिंग माइनस करिए यहाँ पर जो लिखी हुई है 35,000, हमें तो वही ठीक करनी है। और फिर रेंट माइनस करिए 27,000, यहाँ तक माइनस हो गया है, सभी उसी पे हैं। कितनी अमाउंट शो रही है आपके कैलकुलेटर पर? 3,62,450। अब उसमें 2,000 एडबैक कर लीजिए ये वाले फटाफट से, 2,000 एडबैक करना है आपको, ये वाला जो तुमने म्यूनसिपल टैक्स हाउस के पे किए थे वो तुमने बिजनेस से माइनस के रखे हैं। फिर तुमने अपना खुद का रेंट जो है वो माइनस कर रखा है, 30,000 को एडबैक करिए। फिर अब आते हैं माइनस करने पे, डेप्रिसिएशन माइनस करिए 90,000 का, ठीक है। और इसके बाद ट्रू केयर हॉस्पिटल वगैरह से ये सारी चीज़ें। अब बताइए PGBP की इनकम कितनी आई? 3,04,450। पहले हम PGBP हेड में आते हैं, जीरो। 3,04,450 ये पहला आंसर है PGBP वाला, क्या ये बात समझ में? अब हम आ गए हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे जल्दी से बताइए, रेंट कितने का मिल रहा है? रेंट उसने बताया 27,000 का मिल रहा है, और उसमें से माइनस करिए 2,000 म्यूनसिपल टैक्सेस, फिर माइनस करिए 30%। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस है नहीं क्वेश्चन में, तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। वापस आए हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 17,500, क्या ये बात समझ में? सैलरी आपकी तो समझ में ही आ गई, सीधी सीधी सैलरी है, PGBP की इनकम होगी। अब आ जाइए IOS में, IOS के लिए उठाइए फटाफट से कैलकुलेटर। IOS में सबसे पहले लिखिए 450, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको डिविडेंड, ग्रॉस लिख रखा है 10,500, अदरवाइज डिवाइड बाय 90% करके करते हैं। आगे विनिंग में कितना लिखें बताओ, 35 या 50? 50, 60,950। और नीचे इसमें कोई भी अदर वाला इसके इनकम नहीं थी, ठीक है। कितना आ रहा है? 60,950। और हमें डिडक्शंस के बारे में ऑलरेडी पता थी कि हमें डिडक्शंस देनी है और पूरी पूरी अलाउड होंगी। कहाँ गई डिडक्शंस? ये रही। डिडक्शंस को प्लस करिए, 55,000 प्लस 1,00,000 प्लस 28,000, 1,83,000। तो वापस आ गए हम, क्या उन्होंने 1,83,000 की ही डिडक्शन दी है? आंसर इज यस। सारे क्वेश्चन के अमाउंट समझ में आ गए, लिख के करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको। ये था आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं होगी जो आपके क्वेश्चन को खराब कर देगी। इतने क्वेश्चन हमने PGBP कर रखे हैं प्रैक्टिस, जब करते हैं ना PGBP क्वेश्चन तो क्या होता है किसी ना किसी एडजस्टमेंट में गड़बड़ हो जाती है, उससे हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो गलत आ जाता है, जिससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन वो गलत करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे सही कर सकें, समझ आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कॉपी में करना है आपको, सारे वर्किंग नोट्स वगैरह बना के, ठीक है। आगे चले हम थर्ड क्वेश्चन, वो भी इसी के जैसा है। हो गया है, किया था आपने, बहुत बढ़िया। और किसी ने किया है? किया था घर जाके? मैंने कब कराया था? अरे मैंने तो सीधा टोटल इनकम से कराया था ना, टोटल इनकम ली थी क्वेश्चन वाली। अब हम निकालेंगे टोटल इनकम, थर्ड हुआ नहीं है हमारा, गलत समझ रहे हैं आप। हमने 115 BAC के प्रोविजन, नॉर्मल टैक्स के प्रोविजन समझने के लिए इस क्वेश्चन को किया था, सीधा टोटल इनकम से लेके। अब वो आई कैसे आज वो निकालने के लिए सभा बुलाई? समझ में आई बात? पूरा क्वेश्चन किया था घर, अभी मैं सोचने लगा था, मैं धन्य होने हो जाने वाला था, अभी निकल जाता मैं हरिद्वार के लिए, दिक्कत हो जाती। इधर मिस पूरी की एज कितनी है? मिस पूरी की एज 55 साल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेंटेन कर रही है अकाउंट कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे।
कैश बेसिस में दो तीन चीजों की दिक्कतें आती हैं। अगर मान लीजिए आप एडवांस पे कर रहे हैं, अगले साल का कोई खर्चा पे कर रहे हैं, तो इस साल माइनस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्रूवल अगर होता तो एडवांस को माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, पता है आपको, अकाउंट्स में पता होगा ये सब। अगर मान लीजिए मैंने 3 महीने का रेंट पे किया है, 3 महीने का बाकी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा? 6 महीने का। लेकिन अगर कैश बेसिस में कर रहे हैं तो सिर्फ 3 महीने का, जितना आपने पे किया है, ये डिफरेंस आता है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ से क्वेश्चन शुरू करूँ, जरा जल्दी से बताओ। नेट प्रॉफिट, इस बार उनका आंसर बाद में देखेंगे, पहले अपने कैलकुलेटर पे निकालेंगे। कैलकुलेटर निकाल लीजिए फटाफट से। 9,28,224। ध्यान से, अब गलत नहीं होना चाहिए। सैलरी टू स्टाफ कोई परेशानी है आपको? नहीं। स्टाइफंड टू आर्टिकल कोई परेशानी? नहीं। इंसेंटिव टू आर्टिकल कोई परेशानी नहीं है। ऑफिस का रेंट पे करते हैं आप? ऑफिस का रेंट, हाउस ऑफ एटिका नहीं, ऑफिस का क्या अलाउ करेंगे? यस। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलाउड है, कोई भी परेशानी नहीं है। मीटिंग सेमिनार के खर्चे, आपने कार परचेज की है ऑफिशियल यूज के लिए, प्लस कर दीजिए फटाफट से। क्यों? कह रहे नालायक कैपिटल गेन असेट है ये, डेप्रिसिएशन निकालेंगे इस पर। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार, क्या इसे भी देखेंगे? पहले नीचे देखेंगे कि कार का इस्तेमाल किस लिए है। कोई 1/4, 3/4, 2/3, 1/3 वाला केस तो नहीं है, तो अभी के लिए तो मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ। माइनस क्या करना है वो देखेंगे बाद में, तो इसको भी अभी डिसअलाउड कर रहे हैं पूरा पूरा। या तो कुछ करो ही मत, अभी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, आगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, पूरा पूरा अलाउ है, हम मान के चलेंगे ऑफिशियल पर्पज के लिए, और अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए नहीं है तो नीचे कुछ लिखा होगा तो इसके बारे में। म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए 3,000, क्या करेंगे? PGBP में प्लस करेंगे, करिए। ये तो हाउस प्रॉपर्टी से माइनस होगा आपके, कहीं ना कहीं तक पहुंचे आप। अब आ गए इनकम में, ऑडिट फीस कंसल्टेंसी सर्विसेज, डिविडेंड मिला है और ग्रॉस है 10,524 का, क्या होगा PGBP से? माइनस कर दीजिए फटाफट से, जो भी आया है अमाउंट मत बताइए अभी। UTI से मिला है इनकम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IUS में जाएगा। होनोरेरियम रिसीव हुआ है आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन के आंसर पेपर्स को चेक करने के बाद, क्या ये आपका बिजनेस है या ये IUS है? IUS, यहाँ से माइनस होगा। आगे रेंट रिसीव हुआ है रेजिडेंशियल हाउस जो कि लेट आउट है, माइनस करिए। क्या ये बात समझ में? अब सुने ध्यान से, मुझे हाउस बेटी की कितनी चीजें मिल गई बताओ? दो, एक तो GAB मिल गया मुझे सीधा सीधा, और वहां से म्युनिसिपल टैक्स मिल गया 30% में निकाल दूंगा, ब्याज की बात कोई आएगी तो देखेंगे। आगे चलते हैं, अलावेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है कार पर, बताओ ये बात बताने की है? अभी रुक जाना, अभी पहले देखें कार का कोई इस्तेमाल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोफेशन 10,500, क्या ऊपर कोई 10,500 की अमाउंट थी? नहीं थी, तो ऊपर एक इनकम आपने नहीं लिखी है। क्लाइंट से गिफ्ट मिला है, बताइए IOS में जाएगा या PGBP में जाएगा? PGBP इन कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फटाफट से ऐड करिए फटाफट से। हाँ जी, क्या चीज? कार का भी मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं इस पे आ गया बेनिफिट्स पे। कार के बारे में पूरी बात पढ़ेंगे, पहले कहीं 1/4, 2/3 वाला केस है, ये 10,500 प्लस होगा, ऊपर लिखा नहीं है उन्होंने, लिख रखा होता तो हम कुछ नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं। इंसेंटिव्स दिए हैं आर्टिकल्स को जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 आर्टिकल के IPCC एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने वैसे ही अलाउ कर रखा है उसको। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कार के अंदर 2,000 रुपये फॉर द पीरियड 1/10 से लेकर 30/9/2023 तक, मतलब 22-23 का साल क्रॉस हो जाएगा तब भी तुमने एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए एडवांस में, क्या करेंगे बताइए? कुछ भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत में ही बताया था कौन सा सिस्टम फॉलो कर रही है वो, कैश। और कैश के अंदर क्या होता है, एडवांस के पैसे पूरे इसी साल माइनस होते हैं, तुम बस पे करो और माइनस करो। नहीं, यही बात समझ में? आगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है इसका। आगे सैलरी के अंदर 30,000 रुपये कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को दिए हैं तुमने कैश में, एक प्रोफेशनल है, एडबैक करेंगे 10,000 से ऊपर की कोई भी पेमेंट जब तुम कैश में करते हो तो एडबैक हो जाता है, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, प्लस करेंगे 30,000। ऊपर तुमने सैलरी वगैरह लिखा हुआ है वो सब ठीक है, लेकिन उसके अंदर 30,000 तुमने कैश में दिए एक व्यक्ति को एक दिन में। अगर यही ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय होता तो, ट्रांसपोर्टर होता तो 35,000 तो उसमें कुछ नहीं करते। क्या ये बात समझ में आई? आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर तुमने एक्सपेंडिचर किया है फॉरेन टूर पे जिसमें 32,000 विच वॉज विद इन द RBI नॉर्म्स, बताइए फटाफट से। ऊपर क्या कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस है? कितने का?
5,50,000। अब ये कौन से ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंदर एक अमाउंट है जिसके अंदर तुम जब घूमने गए हो तो आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, तो इसके दो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसे बोल देंगे बाकी वाला जो अमाउंट है वो आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको हम एड बैक कर रहे हैं, या मान लेंगे पूरा पूरा ऑफिशियल और बिजनेस पर्पज के लिए ही है, आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वाला जो तो वो डिडक्शन के टाइम पे काम आता है जब नीचे डिडक्शन लेने जाते हैं, क्या ये बात समझ, तो वो मेरा ऑफिशियल पर्पज के लिए मैं उसे अलाउ रहने दूंगा। आगे मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है तुमने हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर, बताइए फटाफट से क्या ब्रदर हमारे 80D वाली डेफिनेशन में आते थे? आंसर इज नो, ब्रदर हमारे 80D वाली डेफिनेशन में नहीं आते थे। मेजर सन है जो कि डिपेंडेंट है, क्या ये आते हैं? आंसर इज यस, लेकिन 5,000 और 10,000 है, लेकिन दोनों ही अमाउंट कैसे पे की है? कैश में, क्या अलाउ करें? नो, तो दोनों ही अमाउंट क्या हो जाएंगे? डिसअलाउ, कुछ भी नहीं करेंगे, डिडक्शन में जाना वाला था लेकिन हम माइनस नहीं करेंगे। आगे तुमने इन्वेस्ट किया है अमाउंट 10,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, कहाँ जाएगा? 80C में। तुमने 70,000 एडवांस टैक्स पे किया तो पूरी टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेना और लास्ट में 70,000 एडवांस टैक्स माइनस कर देना, क्या ये बात समझ। तो पीजीपी से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं, बस किसकी एडजस्टमेंट रह गई है? मोटर कार की। फटाफट से अभी अमाउंट आपके कैलकुलेटर पे क्या शो हो रहा है? रुक जाओ मैं अलग से आपको निकाल के दिखा देता हूं, आप अपना उसे गड़बड़ ना करें। कितने की मोटर कार थी? मोटर कार कितने की थी? 80,000 की। इस 80,000 पे मुझे कितने परसेंट करना है? 15%, तो 80,000 का 15% आ गया 12,000। अब मान के चलेंगे कि उसने जो परचेज की है ये मोर देन ग्रेटर देन 180 डेज के लिए यूज हुई है, वो नोट डाल देंगे, अगर नहीं डालेंगे तो आधा कर देंगे, माइनस कर दीजिए 12,000। 9,200। क्या इसके अलावा कोई और चीज दिख रही है आपको जो पीजीपी से रिलेटेड? आंसर इज नो। अब इसके आंसर पे चलते हैं, एक एक चीज चेक करेंगे। जी पहले हाउस प्रॉपर्टी पे आ गए, 85,600 का रेंट था, उसमें से म्यूनसिपल टैक्स हमने माइनस कर दिया और 30% माइनस कर, तो हाउस प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे पीजीपी में, यहाँ से हमने क्वेश्चन शुरू किया था कि हमने 30,000 एडबैक किए थे, कार के पैसे एडबैक किए थे, यस, म्यूनसिपल टैक्सेज एडबैक किए थे, यस, वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड जो क्लाइंट से हैं वो तुम्हारी इनकम में होंगे और ऐड होंगे, ऐड नहीं थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे नेक्स्ट, डिविडेंड हमने माइनस किया है, यूटीआई भी माइनस किया है, ऑनरी भी रिसीव हुआ है और रेंट, क्या चीज़? 9,200 का है, अच्छा है इधर, ठीक है, आपके आपके कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है? 9,200। तो इसका मतलब पीजीपी वाला पार्ट हमने सही किया है, हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट गलत होता ही नहीं, हमसे दो ही एडजस्टमेंट थी उसके अंदर। आगे चलते हैं फिर 80C वाले पार्ट में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो ये तीन इनकम एज इट इज चली जाएंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो वहाँ से हटाई थी वाई इसमें चली जाएगी। आगे 80C वाली डिडक्शन तो मिल जाएगी लेकिन डी वाली नहीं मिलेगी। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? क्या क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज सही हो सकता था बिना किसी गलती के? 80D वाला आप एक बार को गलत कर सकते थे, ब्रदर वाला अगर आपको प्रोविजन याद नहीं है तो आपको लगता ब्रदर प्रोविजन के, लेकिन आपको कैश बचा लेता, कैश में था इसलिए डिसअलाउड है, हालांकि ब्रदर डेफिनेशन में नहीं आता, 80D को दोबारा से पढ़िएगा। क्या बात समझ में? ये कौन सा क्वेश्चन था? तीसरा क्वेश्चन, समझ आ गया आपको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि मेरी बड़ी तमन्ना थी एक बार मरने से पहले आप इन क्वेश्चन को ट्राई करते, बड़ा अच्छा रहता है ना, पर चलो कोई नहीं, इस बार जब भी मैं समझा भी दूंगा तो आपके आंसरेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना, सॉल्व मैंने कराया ही नहीं खुद से खुद से सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट खुद गलती करोगे तो एग्जाम में वो गलती नहीं करोगे कभी भी, ठीक है। आगे सारा क्वेश्चन मत गलत कर देना कि मुझे एग्जाम में पूरा सही करना है। मिस्टर वाई कैरीज ऑन हिज बिजनेस एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड रिवील्ड द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन कहाँ शुरू हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन और भी बढ़िया है, कहाँ से शुरू हो रहा है? नेट प्रॉफिट से, पढ़ते जाएंगे और एडजस्टमेंट करते जाएंगे। फॉलोइंग इनकम्स वर क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑलरेडी क्रेडिट कर रखी है, बताओ क्या करें? माइनस कर, ना लाइक डेबिट नहीं, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तीनों इनकम को माइनस। 11,20,000 में से तीनों अमाउंट माइनस कर दीजिए फटाफट से। 10,65,500 अभी तक ये पीजीपी की इनकम पर पहुंच गए हैं आप, सुनना ध्यान से, लेकिन मेरा मन है मैं आईओएस की इनकम यही लिख दूं बिना कैलकुलेट किए, बताओ उसमें क्यों कर रहे हो? 15 और ये कितना हो गया? 37,54,500। तो आईओएस की जो इनकम है वो 54,500। आगे इट वॉज फाउंड दैट द सम स्टॉक वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड, मतलब कुछ किया ही नहीं तुमने इसमें, स्टॉक कौन सा है? एक ओपनिंग स्टॉक है और एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा खर्चा होता है, जो तुमने नहीं लिखा तो हमारा खर्चा हो गया कम,
और प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया होगा, तो कैसे ठीक करेंगे, तो 8000 को कर देंगे माइनस, और क्लोजिंग स्टॉक तुम इनकम लिखना भूल गए हो तो इसे तो सीधे सीधे प्लस कर देंगे। समझ आया नहीं आया प्लस माइनस का कंसेप्ट, दोबारा बताऊं? आ गया 8000 वाला दोबारा बताऊं? नहीं बताओ फिर, आप बताओ 8000 वाला लॉजिक बताओ, माइनस भी किया प्लस करेंगे बताओ बताओ, आ बताओ 8000 वाला लॉजिक बताओ। हालांकि मैंने अभी भी लॉजिक बता के ही आंसर बताया, डायरेक्ट बताया नहीं, आप बताइए। इसलिए प्रॉफिट हुआ कम, इतना समय क्लोजिंग स्टॉक में वाइस वर्सा आगे। चलो चलो इधर इधर 1,00,000 डेबिट कर रखे हैं, वॉज डेबिटेड का मतलब डेबिटेड ऑलरेडी हो रखी है फ्रॉम प्रॉफिट, बीइंग द कंट्रीब्यूशन टू अ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35, तो 100% अलाउ होती। क्या तुमने कोई गलती कर रखी है? नो, कुछ नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट। आपके अभी कैलकुलेटर पे कितना अमाउंट आ रखा है? सभी के कैलकुलेटर पे है। आगे चलते हैं, सैलरी के अंदर 20,000 पे किए तुमने अपने ब्रदर को जो कि अनरीजनेबल है 2500 तक, तो सिर्फ 2500 को एडबैक करेंगे, फटाफट से 2500 को एडबैक कर दीजिए, ठीक है। आगे चले हम, एडवर्टीजमेंट ने, एडवर्टीजमेंट के अंदर एक्सपेंस इंक्लूड है, 15 गिफ्ट दिए हैं तुमने ड्राई फ्रूट्स के, जो कि एक पैकेट की कॉस्ट कितनी है 1000, तो 15 पैकेट की कॉस्ट कितनी है 15000। प्रेजेंटेड टू इंपॉर्टेंट कस्टमर्स, अपने घर नहीं लेके गए हो, अलाउड है और कुछ नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड है। अगर पर्सनल के लिए ले जाते तो क्या करते उसे बताइए, ड्रॉइंग्स में होता और एडबैक करते, ड्रॉइंग्स बन जाती और क्या करते, एडबैक करते, ये तुमने खर्चा दिखाया जबकि खर्चा नहीं है। सर ये वाटर स्टोरेज का बोली होता नहीं, पीजीपी का है जी क्या इंपॉर्टेंट कस्टमर्स के लिए बोली होता है, म्युनिसिपल पार्टी वाटर म्युनिसिपल पार्टी नहीं, कस्टमर्स को दोगे भाई साहब तभी देंगे, बाकी तुम चैरिटी करो, डोनेशन करो, कुछ भी करो, एडबैक करेंगे हम, तो बिजनेस का थोड़ी ना है। कस्टमर्स को डिस्काउंट देना, कस्टमर्स को फ्री चीज प्रोवाइड करना, सैंपल देना, ये सब हमारे बिजनेस का ही पार्ट होता है। आगे टोटल एक्सपेंस है कार के कितने, 78,000, द कार वॉज यूज फॉर बोथ 3/4 फॉर बिजनेस पर्पज, तो एडबैक कौन सा करना है मुझे, एडबैक कौन सा करना है, नालायक भाई तुम एक ही बार है सीधा बताया करो, 19,500 एडबैक करो फटाफट से, 19,500 क्या इसे एडबैक करेंगे या माइनस करेंगे फटाफट से बताइए, क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि सारे जितनी भी चीजें हैं वो सब ऊपर एडजस्ट कर रखी है तभी ऊपर नेट प्रॉफिट दिया है, क्या ये बात सब, तो हम मान के चलेंगे, नोट डाल के चलेंगे। हालांकि इस वाले चीज पे कोई नोट नहीं लिखा है, मोटर कार एक्सपेंस पर क्या कोई नोट लिखा है, आंसर इज नो, कि ऑलरेडी माइनस किए हुए हैं या नहीं किए, तो अब ये आपके अजम्पशन पे डिपेंड करता है, तो आप नोट लिखेंगे इसमें, क्या नोट लिखेंगे, अज्यूमिंग ऑलरेडी डिडक्टेड, और अगर ऑलरेडी डिडक्टेड नहीं हुआ तो 3/4 निकालेंगे और उसको माइनस करेंगे, तो अज्यूमिंग ऑलरेडी डेबिटेड, आप बता रहा हूँ एक मिनट, अगर ये खर्चा तुमने ऊपर से माइनस नहीं कर रखा है तो टोटल खर्चा है कितना 70, जिसमें से अलाउड कितना है 3/4, तो 3/4 को माइनस करेंगे बस, अगर तुमने 78,000 पूरा माइनस कर रखा है तो 1/4 को एडबैक कर देंगे। समझ आया सभी को, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, आगे चलते हैं। मिसलिनियस एक्सपेंस इंक्लूड, मतलब ऊपर कोई मिसलिनियस एक्सपेंस थे जो माइनस हो रखे हैं, जिसके अंदर 30,000 पे किए हैं तुमने गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को कैश में पे किए हैं, बताइए फटाफट से, अलाउड करेंगे क्योंकि लिमिट कितनी है 35, ध्यान रखना 10,000 से ऊपर वाला प्रोविजन मत लगा दें, अलाउड है, और क्योंकि जीटीए के केस में जो लिमिट है वो कितनी है 35,000, और ये विद इन लिमिट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले व्यक्ति को अगर आप दे दें। डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन द बुक्स कितना है, डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स कितना है, तो बताइए क्या करें इसको, तुमने बुक्स में 55,000 माइनस कर रखा है, तो प्लस 55,000 और माइनस 50,000, सुन रहे ध्यान से, लेकिन ये मोटर कार वाला होगा डेप्रिसिएशन, मोटर कार के अलावा तो कोई एसेट दिखी नहीं मुझे, अब अगर मोटर कार वाला है तो क्या 1/4 की एडजस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए फटाफट से, करेंगे 1/4, सुनो जरा ध्यान से, अब हम उनकी बात को देखो, उन्हें कैसे बेवकूफ बनाना, ध्यान से समझना, इंस्टीट्यूट को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, इसका नोट भी कितना सुंदर लिखेंगे देखना जरा ध्यान से, क्या लिखा है इसने, डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स रूल, वाह वाह, इसका मतलब क्या है, तुमने इनकम टैक्स के सारे रूल्स लगाए हैं, मतलब
तुमने 1/4 की भी एडजस्टमेंट करी होगी और 3/4 अगर तुमने नहीं करी तो तुम्हारे इनकम टैक्स के रूल खराब, तो बोलो हाफ इनकम टैक्स रूल अप्लाइड। भाई तुमने इनकम टैक्स के रूल्स लगाए होंगे तभी तो तुमने डेप्रिसिएशन निकाला 50,000 का, इसका मतलब 1/4, 3/4 की एडजस्टमेंट की होगी तुमने। ओके, खुद ही तो कह रहे हो तुम इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से, तो ठीक है फिर तुमने ठीक किया होगा, तुम्हारी बात पे पूरा विश्वास करते हैं, बात खत्म। और जो इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से नहीं था उसे हमने एडबैक कर दिया, क्या ये बात समझ में आए? तो करिए एडबैक 55,000 और माइनस करिए 50,000 और ये फिर से अज्यूम करेंगे कि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। क्यों करे, तुम्हारा गलत है तुम करो ना, नालायक। छोड़ो यार, अरे छोड़ो उसको, इधर इधर ड्रॉइंग से 10,000 की बताओ क्या करे। छोड़ो छोड़ो, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहे, ड्रॉइंग्स लिखे, ड्रॉइंग्स से क्या करेंगे एडबैक 10,000 करिए एड, और इन्वेस्टमेंट इन इसका क्या करेंगे बताइए फटाफट से, इसे 80C में डिडक्शन दे देंगे। लेकिन अभी आप बताइए कि पीजीवीपी का प्रॉफिट कितना है, 11,06,500, 11,21,500। सुनो सुनो सुनो, आपका कितना आ रहा है, सुनो, अरे नालायक, आपका कितना आ रहा है आप लोगों का, 11,00,000, कितने का डिफरेंस है, 15,000 का। तो चेक करते हैं 15,000 की कौन सी वाली अमाउंट है, नहीं नहीं ये तो 80C वाली है। क्या इस 15,000 का हमने कुछ किया था, नहीं नहीं, कुछ करना भी नहीं था। ये विनिंग वगैरह आपने माइनस कर दी थी सारे, ठीक है एक बार इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं इसको। क्या हमने सैलरी पेड वाले की एडजस्टमेंट की थी 2500 वाले की, मोटर कार का कौन सा वाला ट्रीटमेंट लिया है इन्होंने कि ऑलरेडी डिडक्टेड है और हमने भी 1/4 ही ऐड किया था, ये 55,000 जो है डेप्रिसिएशन ऐड किया और नीचे माइनस किया होगा, ड्राइंग्स भी ऐड की हैं और इन्वेस्टमेंट इन NSE, हाँ बस इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम उन्होंने क्या बोला कि ये सारी चीज़ें हमने माइनस कर रखी हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, तो इस वाली चीज़ को उन्होंने कहा इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड माइनस किया हुआ है, तो हम इसे पहले ऐड करेंगे और 80C में डिडक्शन, तो प्लस 15,000 कर दीजिए। क्या ये बात समझ में है, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली इन सभी चीजों को कंसीडर करने के बाद आई, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने नेट प्रॉफिट दिया है और ये बोला है कि ये सारे एडजस्टमेंट हमने कर रखी है, तो इसका मतलब 80C तुमने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड माइनस किया हुआ है जबकि ये जाएगा डिडक्शन। क्या ये बात समझ में है, तो आपने पीजीबी का प्रॉफिट लिखा कितना आया, 11,21,500, आईओएस का कितना आया था, 54,500, फटाफट से ऐड करिए और माइनस कर दीजिए इसमें से 15,000, कहाँ चला गया, टोटल इनकम कितना आ गया, 11,61,000, उसने टैक्स निकालने के लिए बोला था या इनकम निकालने के लिए बोला था, टोटल इनकम। क्या ये बात समझ में, क्वेश्चन समझ आया, एक ही गलती हो सकती थी इन्वेस्टमेंट वाली और वो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझिएगा कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो ये कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है ये सारी एडजस्टमेंट को कंसीडर करने के बाद आया, हाँ क्वेश्चन में लिखा है, हाँ जी हाँ, इसीलिए आगे चल सकते हैं, क्वेश्चन समझ आया है, तो क्वेश्चन हो नहीं रखा था ये, अब हुआ है, ठीक है, बहुत सारी बातें थी इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ, मुझे बताएंगे कि कितनी इनकम आएगी, टोटल इनकम जल्दी से, किस चीज़ में, इस पर टैक्स लाइबिलिटी मैं बताऊंगा, बाकी आप बताएंगे, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, अभी देखना, हाँ टोटल इनकम ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बस एडजस्ट करके, टोटल इनकम का मतलब क्या होता है,
और देखना सबका अलग आया। खास बात, पांच ट्रीटमेंट है। 580 आ रहा है आपका अभी। सेट ऑफ के प्रोविजंस लगे, क्या देख रहे हो, सॉल्व करो इसको, करो। एक बच्चे के दो आंसर भी आ सकते हैं। 5 लाइन है दोस्तों, ठीक करो इसको जल्दी से। एक बच्चे का और आंसर आ गया, बताइए कितना आ रहा है। 6-15 आ गया, बहुत बढ़िया। छः बीस, आप बताइए। पूछूंगा आपसे, ये मत समझना कि मैं रुक जाऊंगा, पूछूंगा आपसे। हाँ, 5:45, 6:20, 6:15, 3 एडजस्टमेंट है नालायक। तुम बताओ भाई, फिश मास्टर। अपने भी ध्यान दो, उसे ठीक कर लो पहले। अरे अमाउंट बता दिया ना आपने, तो हाँ आप बताइए। 580, एक और आंसर, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे उतने आंसर। 580 मेरा बेटा। अच्छा तुम बदल लिया था वो, तो तुमने आपका भी 580 है, मतलब इसमें 35,000 और ऐड कर दूं तो 6:15 हो गया। 580 आंसर है, 4 बच्चों का 5,80,000 आंसर है नालायको, और आंसर भी 580। 6:15 वाले भाई साहब, नहीं पता। और बताओ राय मुझे, अभी बताओ, क्लास खत्म होने दो। हाँ आज तुम पकड़ लो, अब बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। सैलरी की इनकम कितनी है जल्दी से बताइए, क्वेश्चन में देख के। सैलरी 60,000 कंप्यूटेड लिखा है, इसका मतलब बताओ जल्दी जल्दी से। इसमें से ऑलरेडी माइनस हो रखा है, ये सैलरी वाला है। उसके बाद मैंने लिखा हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, इनकम है या लॉस है? लॉस है तो क्या इसी से माइनस कर दें? लेस हाउस प्रॉपर्टी लॉस 15,000 का है तो 15,000 माइनस हो जाएगा, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बची कितनी? 45,000। अगर और भी कुछ हुआ तो देखेंगे, उसे भी माइनस वगैरह करेंगे। आगे चलते हैं, अब पीजीबीपी में आ जाते हैं। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, तो मैंने लिखा पीजीबीपी, तो ये कौन सा हेड था अभी? ये सैलरी हेड था। नेक्स्ट कौन सा हेड पढ़ रहे हैं? पीजीबीपी। इनकम लिखी थी वहां पर, कौन सी इनकम थी? इनकम था या लॉस था? माइनस में लिखा हुआ है तो लॉस है। लॉस फ्रॉम कहाँ से? टेक्सटाइल बिजनेस। तो इनकम कौन से बिजनेस से? स्पेकुलेशन से है इनकम। यस, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है कितने की? 1,00,000। क्या स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस से नॉर्मल इनकम को एडजस्ट कर सकते हैं? स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से तो कर सकते हैं। कितने की इनकम है? 1,00,000 की इनकम है। लॉस कितने का है? 1,35 का, जिसमें से हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 1,00,000 एडजस्ट कर सकते हैं। तो पीजीबीपी हेड से आपको जो इनकम मिलेगी वो कितनी है? 0। क्या 35,000 का लॉस अभी भी बचा है? यस। क्या पीजीबीपी का लॉस मैं सैलरी हेड से सेट ऑफ कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अब बचा मेरे पास क्या? ये भी डील कर लिया है हमने। विनिंग इनकम का कुछ करूंगा क्या? यस, लिखेंगे इनकम में विनिंग इनकम। कितने की है विनिंग? 5,00,000 विनिंग इनकम। और क्या डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दूं, क्योंकि इससे कोई लॉस वगैरह एडजस्ट नहीं होता है? अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा हेड बच गया लास्ट? कैपिटल गेन। उस कैपिटल गेन, देखो कैपिटल गेन का लॉस होता तो वो तो कहीं नहीं जाता किसी और के घर में,
लेकिन किसी और के घर का लॉस कैपिटल गेन में आ सकता है, यस। तो क्या ये जो 35,000 बचे हैं ये हम एडजस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से? यस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 70,000 का, तो मैंने यहाँ पर लिखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितने का? 70,000 का। इस 70,000 में से कितने का लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं? 35,000 का। तो माइनस किया हमने और यहाँ पर लिखा सेट ऑफ 35,000। तो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या कोई लॉस बचा है? कोई भी लॉस नहीं बचा है, सारे लॉसेस इसी साल में सेट ऑफ हो गए हैं 35,000। अब हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है और हमारे पास तीन इनकम बची है, 5,80,000। ये हमारी GTI और टोटल इनकम दोनों हैं, क्योंकि डिडक्शन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है। GTI भी यही है और टोटल इनकम भी यही है। कितना बताया? 5,80,000। अब इस पर टैक्स निकालना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, बताइए कैसे टैक्स कैसे निकालूँ इस पर? हम टैक्स निकालते थे तो मैं हमेशा आपको एक ऐसे टेबल बना के देता था कि इस टैक्स में कौन कौन सी इनकम शामिल है 5,80,000 में से। तो क्या आपको पता है आज एक विनिंग इनकम अलग है और अदर इनकम मतलब नॉर्मल इनकम अलग है? विनिंग कितनी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, हाँ उसे भी अलग करेंगे तो बीच में लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बताइए विनिंग कितनी है? 5,00,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बचा था? 75 और 35,000, 35,000 और सैलरी इनकम थी 45,000। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 35,000 और सैलरी इनकम कितनी थी? 45,000। इसका तो मुझे पता है सीधा सीधा लगेगा कितने परसेंट? 30%। कितना आ जाएगा? 1,50,000। इन दोनों का बताइए क्या करें? इसका 20% और इसका? अरे नालायको, 2,50,000 की एग्जेम्पशन नहीं दोगे क्या? इस पे तो टैक्स कट के मिला है, इस पे तो मैं दे ही नहीं सकता। ये 80,000 है, 2,50,000 में 1,70,000 की और ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन क्योंकि इस पे टैक्स ऑलरेडी कट के मिलता है, क्या ये बात समझ में आई? तो मेरी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो एग्जॉस्ट नहीं हो पाएगी, हालांकि इनसे हो जाएगी। तो इन दोनों पे टैक्स कितना कितना निकलेगा? निल, निल। क्यों? क्योंकि अप टू 2,50,000 एग्जेम्प्ट। ये वाली बात समझ आई या नहीं है? आप फटाफट से तुरंत इसमें 20% मत लगा दीजिएगा। हाँ, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि खाली 5,00,000 की इनकम है तो बताओ टैक्स कितना निकलेगा? खाली 5,00,000 की विनिंग इनकम है तब भी टैक्स सेम ही रहेगा, क्योंकि हम स्पेशल इनकम से जिसपे 30% रेट लगता है उस पर कभी भी, इन सभी पे 20% स्पेशल तो लगता है, लेकिन क्या कट के मिलते हैं हमें? नहीं। तो इसका मतलब इस पर तो टैक्स लगेगा। अब 1,50,000 तो टैक्स लगेगा हमारा, ये बन गया टैक्स लाइबिलिटी। और क्या 4% भी करेंगे? आंसर इज यस, प्लस 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन से 6,000 कितना हो गया है बताओ? कितना टैक्स जमा कराना पड़ेगा मुझे? सिर्फ 6,000। बताओ क्यों? क्योंकि 1,50,000 तो आपकी कट के ही मिले होंगे आपके, तो ये है टोटल टैक्स लाइबिलिटी और माइनस करेंगे TDS कट के मिला होगा आपको ऑलरेडी डिडक्टेड, कितने का? 1,50,000 का। और टैक्स टू बी डिपॉजिटेड कितना होगा? 6,000 नेट टैक्स लाइबिलिटी जो आपको डिपॉजिट करनी है। ये वाली बात आपको समझ आई या नहीं है? ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। उन्होंने 5,80,000 तक तो निकाला ही है, उसके बाद उन्होंने बताया कि टोटल इनकम जो वगैरह है इस पे भी नील, इस पे भी नील, और ये 3,00,000 और ये 6,00,000, 1,56,000 तक निकाल के छोड़ दिया है। और रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी जो है 6,000 की, बाकी तो TDS वगैरह कट गया होगा। क्वेश्चन समझ आया नहीं है? अब थोड़ा सा समझ आ रहा है कि बाकी सारे चैप्टर्स किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं बड़े वाले क्वेश्चन में। आगे बात समझ में क्या है? यही है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000। ये एडवांस टैक्स वाले पॉइंट है कि एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारी 10,000 से लाइबिलिटी कम है, वो अभी आपने पढ़ा नहीं है एडवांस टैक्स। सही पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्यूमिंग ही इज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, कुछ क्वेश्चन आप भी बताना जॉब कर सकते हैं। ये कौन से वाला सिस्टम फॉलो कर रहा है? अभी पढ़ा है कैश। इसी में रह जाना तुम दिमाग लगाने में, क्वेश्चन मत समझ लेना कौन क्या कह रहा है, उसके बाद क्या बढ़ा दूं, 25 कह रहा है, 35 कह रहा है, तो 10 ऐड कर दो, 10 माइनस कर दो, प्रोविजन पे ध्यान ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारी ज्यादा गलती होती है क्वेश्चन में। अब से बुरा नहीं भी लग रहा होगा ना, ये जबरदस्ती लगवाएंगे उसको बार बार हंस के निकाला।
रिसीप्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है? अपोजिट है नहीं, कैश अकाउंट की तरह। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप नेट प्रॉफिट को पकड़ते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें आपको अपने मतलब की इनकम और अपने मतलब के एक्सपेंस अलग करने और पीजीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। दोनों में डिफरेंस समझ आया नहीं है? क्या ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं? आंसर इज यस। अब बताओ इनकम कहाँ से लिखूं पहले? पीजीपी की एज है 50 साल, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बताइए फटाफट से ओपनिंग बैलेंस का क्या करूं? कुछ नहीं, ठीक है। फीस मिली है आपको इस साल, तो क्या ये आपके पीजीबीपी में आएगा? आंसर इज यस। इसे लिख लेते हैं, इसे हमें लिख के करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन है? 6। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। पीजीबीपी में तुम्हें इनकम मिली है कहां से बताओ? कौन सी वाली? फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज। तो पहले हम यहां पर लिख रहे हैं फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज। कितनी मिली है? 59,38,000। आगे चले, रेंट है, मोटर कार का लोन है, ये आपके पास पैसे आए हैं, तो मैं अपने पीजीबी में तो इनको लेके ही नहीं चल रहा हूँ आपको, इधर चलते हैं। इधर बढ़ लो, इधर ध्यान से, उनसे कह रहा हूँ। स्टाफ को सैलरी मिली है, इधर इधर ध्यान दो। स्टाफ को सैलरी मिली है, बोनस मिला है, स्टाइफंड मिला है, बताइए क्या माइनस हो जाना चाहिए? आंसर इज यस। अभी करेंगे माइनस, लेकिन पढ़ते हुए चल रहे हैं। अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, ये भी माइनस हो जाना चाहिए। ऑफिस का तुम रेंट पे कर रहे हो, वो भी माइनस हो जाना चाहिए। हाउस का जो तुम लोन पे कर रहे हो, वो आपके पीजीपी का पार्ट नहीं है, उसे आप हाउस प्रॉपर्टी में ले जाइएगा। तो इस पे मैंने अभी के लिए क्रॉस लगा दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ जाएगा? 80C में, ठीक है। तो अभी पीजीपी में कुछ नहीं होगा इसका। आगे, मोटर कार तुमने एक्वायर की है जनवरी 2023 में, 22-23 का क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा? तो मुझे क्या मोटर कार एड बैक करनी है, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है 15% और 1/2, या डायरेक्ट आप 7.5% निकाल सकते, बताइए कितना आएगा? 31,875। ये डेप्रिसिएशन है जो हम इस पर माइनस करेंगे, और मोटर कार परचेज को एड बैक नहीं करना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन शुरू नहीं हो रहा है, मुझे काम की चीज़ें उठानी है बस। आगे, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह तुमने पे किया, ये डी में डील करेंगे। बुक्स बॉट की हैं तुमने 1/7 को, एनुअल पब्लिकेशन है, चेक से पेमेंट की है, कितना है बुक्स पे? 40%। एड बैक नहीं करना है आपको, डेप्रिसिएशन निकाला है हमने। एड बैक क्यों नहीं करना है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया कि तुमने खर्चे लिख रही है, तो खर्चा लिखा है तुम्हें, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन अपने मतलब की चीज़ें निकालनी। अगर नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन शुरू कर रहे होते तो क्या करते बताओ? तो पहले एड बैक करते और फिर लेस करते डेप्रिसिएशन। आगे चलते हैं, कंप्यूटर एक्वायर किया तुमने 1/11 को, बताओ जरा, 20% इस पे 40% लगने वाला था, लेकिन कौन सा लग जाएगा? 20%, यानी आधा, तो कितना हो जाएगा? 6,000। इस पे भी ये क्या निकाला है हमने? डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक ड्राइंग्स हैं, बताओ क्या करूं इसका? कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट से चल रहे होते तो ऐड बैक करते, अभी हम इसका कुछ नहीं करेंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का तुमने सब्सक्रिप्शन लिया है, बताइए कहां जाएगा? 80C में, डिडक्शन के रूप में। मोटर कार की मेंटेनेंस है, बताइए क्या जाएगा? मोटर कार की मेंटेनेंस है, माइनस होगा मोटर कार की मेंटेनेंस से। पहले देख लेंगे एक बार कि मोटर कार कहां यूज हो रहा है, क्लोजिंग कैश का हमें कुछ करना नहीं है। उसके पास 50% बिल्डिंग है जो कि वो रहता है, लेट आउट दीप कर रखे है उसने, मंथली रेंट 5,000, ये कौन से पर्पस के लिए है? हाउस प्रॉपर्टी। मोटर कार जो बोथ ऑफिशियल पर्पस पर्सनल के लिए है, 1/5 ऑफ द मोटर कार जो है पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, बताइए फटाफट से। तो हमने यहाँ पर कहीं निकाला था, ये रहा मोटर कार का डेप्रिसिएशन, कितने परसेंट पर्सनल पर्पस के लिए हो रही है? 1/5। तो इसका मतलब 4/5 जो है वो अलाउड होगा, इसका 1/5 तो कौन से पर्पस के लिए है? पर्सनल। तो हम कौन सा लेंगे सिर्फ इसमें से? ऑफिशियल। नेट प्रॉफिट से चल रहे होते तो 1/4 को एडबैक करते हैं, क्या ये बात समझ में? और ऐसे ही जो मोटर कार के मेंटेनेंस के खर्चे हैं उसमें से 10,000 माइनस ना करके कितने माइनस करेंगे इसका? 4/5, क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा ऊपर जो तुमने डेप्रिसिएशन निकाला है वो अलग है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे डेप्रिसिएशन निकालो फटाफट से, कितने परसेंट होता है? नालायक, भूल गए सब, 10%, 6,000। मशीनरी लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस है, तो पूरे साल का लगेगा, कितना आएगा ये? 9,600 या 12,600? ये 12,000, 12,000 आ गया। आगे नेक्स्ट, और कंप्यूटर भी है तुम्हारे पास, बताओ क्या करें? 40%। ऊपर जो परचेज थी उसके हिसाब से तुमने निकाल लिया था, बताइए कितना आएगा? 20,000 का यहाँ तक आ गया, और हमने पीजीपी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व कर ली हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब मैं यहाँ से माइनस शुरू करूँगा, जिसमें से पहला मैं देखूँगा सैलरी, ऊपर वाली जो चीज़ें थी सैलरी, स्टाफ बोनस वगैरह सब कुछ,
कितना आ रहा है 21,50,000, तो हमने यहाँ पर लिखा 21,50,000। फिर और माइनस करेंगे इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और नीचे कुछ लिखा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में कुछ इंक्लूड है या नहीं। कितना है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, 11,48,000। तो 11,48,000 हमने यहाँ लिखा, 11,48,000। नेक्स्ट कौन सा है, ऑफिस का रेंट तुमने पे किया है, क्या ये बिल्डिंग का रेंट है, हाउस पार्टी का, या ऑफिस का है? और ऑफिस का रेंट क्या आपको माइनस करने दिया जाएगा? आंसर इज यस। तो 30,000 हमने यहाँ माइनस कर दिया है। नेक्स्ट, हाउस लोन रीपे किया है, ये मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। अब मैं आगे डेप्रिसिएशन में आपका उठाएंगे पॉइंट और सारे डेप्रिसिएशन को एक साथ ऐड करेंगे फटाफट से। मैं एक ही बार में लिखूंगा डेप्रिसिएशन। कैलकुलेटर उठाइए, लिखिए 31,25,500 आ रहे हैं 4/5 करके। अभी जो कैलकुलेटर पे आ जाए उसे हटा दो, दोबारा माइनस कर लेंगे। 25,500 आ गया। अगला डेप्रिसिएशन लिखिए 8,000। अगला डेप्रिसिएशन लिखिए कितना, 6,000। लिख लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट, नीचे डेप्रिसिएशन थे हमारे पास, ये रहे 38,000 है। कितना आ रहा है, 77,500। ये मेरा डेप्रिसिएशन है टोटल मिला के, 77,500 टोटल। फिर मोटर कार के मेंटेनेंस भी माइनस करने पड़ेंगे क्या, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होते। मोटर कार मेंटेनेंस 6,10,000 और 4/5 ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000। क्या कर रहे हैं हम, ये समझ आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। और कोई बात थी क्या, क्या और कोई बात थी जो हमने छोड़ दी है यहाँ पर? आंसर इज नो। बाकी सारी चीज़ें अलग अलग हैं, मोटर कार का लोन वगैरह है। मोटर कार का लोन का क्या करेंगे बताइए फटाफट से, क्या मोटर कार का जो लोन है वो भी मेरे बिजनेस का एक्सपेंडिचर होगा? आंसर इज यस। लेकिन मोटर कार के लोन के बारे में कुछ लिखा था नीचे, नो कार लोन इंटरेस्ट वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तुम कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो और ब्याज तुमने दिया नहीं है, तो माइनस कुछ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ये जो आपका आंसर आएगा वही आपके पीजीपी का आंसर होगा। फटाफट से इसको माइनस, 25,24,500 ये आपकी पीजीपी की इनकम है। अगर कोई और एडजस्टमेंट है तो एक बार चेक कर लेंगे उनके आंसर से, बाद में मैच करेंगे। पहले अब मैं निकालने वाला हूँ हाउस प्रॉपर्टी। क्या हाउस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत होती है क्या बताइए? जब कंबाइंड क्वेश्चन में आता है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती। चेक करते हैं हाउस प्रॉपर्टी से तुम्हें रेंट कितना आ रहा है। 5,000 के मंथली रेंट पे तुमने दिया हुआ है और कुछ लिखा नहीं हुआ उसके अंदर, तो फटाफट से आ जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी की जीएवी निकाल देंगे। जीएवी कितनी आ जाएगी, 5,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई किससे होगा, 12 से। तो ये आ गया आपका 60,000। इस 60,000 में से क्या क्वेश्चन ने कहीं लिखा था तुम म्युनिसिपल टैक्स वगैरह पे करते हो, कहीं लिखा था क्या? देखिए क्या कहीं लिखा था तुम म्युनिसिपल टैक्स वगैरह पे करते हो? नहीं। ये जो रेंट है इसका समझ नहीं आया, इस रेंट का क्या करें? किस चीज़ का रेंट है ये? हाउस प्रॉपर्टी का ही रेंट है 50,000, और मेरे पास यहाँ पर आ भी रहा है देखिए जीएवी कितना। अब समझ नहीं आ रहा कि एक तो आ रहा है 60,000 और वो कह रहा है मिला ही कितना है 50,000, तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा बताइए, 60,000 या 50,000? क्या कंपेयर करें बताओ? जीएवी मेरे पास कुछ नहीं है, उसने कहा मंथली रेंट भी दिया है और बस बात खत्म, तो मुझे 50,000 लिखना चाहिए या 10,000 लिखना चाहिए बताइए? और अगर हायर रहा भी, अगर कम रहा भी है, तो आपको क्या लगता है किस रीजन की वजह से रहा होगा? या तो 10 महीने के लिए किराए पे रहा होगा, देख लो पीजीपी पढ़ा है अभी तक, फिर ठीक है सोचा चलो चलो तो हम 50,000 लिख रहे हैं और मान के चलेंगे इसको कि 50,000 ही मिलेगा और वैकेंसी की वजह से। म्यूनसिपल टैक्स वगैरह कुछ है नहीं, सीधा सीधा माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50,000 का 30% 15,000 होगा 35,000 आ जाएगा। क्या कोई इंटरेस्ट ऑन लोन भी है? एक वो तो कार का था। इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए फटाफट से क्या कुछ था। लाइफ इंश्योरेंस भी है, ये रहा हाउसिंग लोन जिसके अंदर इंटरेस्ट कितने का है, 88,000। क्या लेट आउट के केस में 88,000 माइनस किया जा सकता है? यस। कितना माइनस किया जाएगा पूरा पूरा? अभी पीजीपी थोड़ी चल रहा था, नालायक हाउस प्रॉपर्टी चल रहा था अभी अभी बताइए कितना, बताइए माइनस करके कितना आएगा जल्दी से। हाँ तो माइनस में जा सकता है ना, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस नहीं आ सकता, सेटअप भी करेंगे उसके बाद। ट्रिपल हजार का लॉस, लॉस ऑफ 50।
इस पे 60,000 की गाज अभी अटकी हुई है, वो चेक कर लेंगे। अगर ये 60,000 हुआ तो वो लॉस 43,000 हो जाएगा, अभी चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। आगे चलें तो ये हाउसिंग वाली चीज़ भी हमने डील कर ली। इधर देख लो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नालायक बात करने में रहते हैं। इधर वो बताएगा तुम्हें, अभी डिडक्शन में चले गए हम, मेडिकल वाली चीज़ में चले गए, बुक्स पे चले गए, कंप्यूटर पे चले गए, डोमेस्टिक ड्राइंग्स का कुछ नहीं करेंगे, पीपीएफ मोटर कार मेंटेनेंस है और नीचे कुछ भी चीज़ नहीं दी हुई है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी की चीज़ हमने डील कर ली। फटाफट से एडजस्ट करके बताइए टोटल इनकम या जीटीआई बताइए। हाँ माइनस में जीटीआई बताइए फटाफट से। अरे भाई कर ले, 24,71,500। इसमें से कुछ डिडक्शंस माइनस होनी है, बहुत सारी डिडक्शंस थी हमारे पास। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है सेल्फ और वाइफ का, क्या मिल जाएगा 80D में? 18,000 है तो 80D 18,000 यहाँ पर लिखा मैंने। नेक्स्ट और भी कहीं था यहाँ पर, ये रहा पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना है 20,000, ये भी मिल जाएगा, ये 80C के अंदर है। कितना है? 20,000। आगे भी कुछ था क्या? नीचे कुछ था नहीं, माइनस करिए फटाफट से। एक सेकेंड, 38,000 यहाँ से माइनस होगा और जो अमाउंट आएगा 24,33,500। ये क्या आया है बताइए, ये टोटल इनकम आई है। क्वेश्चन ने हमसे इनकम निकालने के लिए बोला था या टैक्स लायबिलिटी? लाइफ एक और था ना, लाइफ इंश्योरेंस भी वही मैं पूछ रहा था। ये रहा 80C वाला रह गया है 24,000, इसको भी माइनस करिए। इसमें 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62, 24,09,500 एक रह गया था बस हमारा, 24,09,500। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन ने अदर अगर हमें कुछ करना नहीं है और हमसे क्या पूछा है, ये रहा टोटल इनकम पूछी है। तो पहले हम PGBP की मैच करेंगे। हाँ एक चीज़ और रहेगी हमारी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, आधा था ना उसका घर, घर जो है उसका आधा था, गड़बड़ है। इसको 44,000 माइनस कीजिए आप, आधा घर है तो लेट आउट में कितना जाएगा? आधा करो जरा फटाफट से, 44,000 माइनस करो पहले फटाफट से इसमें से 50,000 और जितना भी आ रहा है, कितना आ रहा है फटाफट से चेक करो, 9,000 का लॉस है। और ये तो कौन से वाला केस था, ये कौन से वाला केस था? लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या रहा होगा? डायरेक्ट लिख दूँ 44,000 का लॉस या 30,000 का लॉस बताइए? सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या लिखूंगा? 30,000 का लॉस। क्यों 2,00,000 का क्यों नहीं है? क्योंकि पुराना वाला है, 1/4 2001 से पहले, तो 30 ये हो गया, तो 39 का लॉस आना चाहिए। उनका चेक करेंगे कि उनका लॉस कितना आ रहा है। उन्होंने 60 से ही लिया है, ठीक है, तो 60 से हमारा कितनी इनकम बढ़ जानी चाहिए? 10,000। तो 10,000 के हिसाब से क्या लॉस बराबर आएगा हमारा? चेक करो फटाफट से। एक तो उनका लॉस 30,000 आ रहा है लेट आउट वाला, फिर हमने 60,000 लिखा, हाँ फिर 18,000 लिखा। अच्छा 60,000 के हिसाब से वो भी चेंज होगा ना 30%, करो जरा फटाफट से। तो उन्होंने 60 से किया था, हम भी 60 से कर देंगे, 60, 18 और 44। जल्दी से बताइए कितना आएगा लॉस, बताइए फटाफट से लॉस कितना आ रहा है, ये लॉस आएगा भी या नहीं? 2,000 का लॉस आएगा। तो टोटल लॉस कितना आ गया बाहर? 30,000 का सेल्फ ऑक्यूपाइड से आया और 2,000 का लेट आउट से आया। बस अब फटाफट से बताइए कि इनकम कितनी आएगी और GTI कितना आएगा, जल्दी से एक बार PGBP को भी मैच कर ले तब आगे चलेंगे। PGBP का आ रहा है उनका 25,24,500, क्या हमारा भी यही था, मेन यही है इसमें PGBP वाला। कितना आ रहा है? 24,92,500, 24,92,500 और डिडक्शन के बाद बताइए कितना है? 24,30,500। ये आ गया 24,92,500 और 24,30,500। बस हाउस प्रॉपर्टी वाली कैलकुलेशन एक बार ध्यान से कर लीजिएगा। मेन जो गलती होने के चांस है वो आपके PGBP में है, तो PGBP के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करिए। 3 से 4 एडजस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी एडजस्टमेंट नहीं है।
हाँ जी 60,000 कुछ ना मंथली रेंट में उसने बोला और मान लिया है कि वो आपकी वैकेंसी वगैरह का कारण नहीं होगा भाई साहब, हम तो 60,000 पे लगाएंगे, ये ऑल्टरनेटिव भी हमने पहले भी सोच के रखा कि ऐसा हो सकता है, होता तो बता देता, हमारे नोट पे चल जाएगा क्वेश्चन। जी बताइए, 23-30 अभी तो सेम आया था। हाँ एक और हाउसिंग लोन की रिपेमेंट भी है क्या इसमें? कहाँ है हाउसिंग लोन की रिपेमेंट? कहीं है क्वेश्चन में हाउसिंग लोन की रिपेमेंट? उसने तो मना किया था कि हाउसिंग लोन पे नहीं। अच्छा वो कार वाला था, कहाँ है हाउसिंग लोन? हाउसिंग लोन की उसने रिपेमेंट है जिसके अंदर 88,000 का इंटरेस्ट है, तो 88,000 का इंटरेस्ट है तो हाउसिंग लोन कितना हुआ होगा? 1,00,000 का। प्रिंसिपल रिपेमेंट कौन से सेक्शन में जाती है बताओ? 80C में। याद है नहीं है? प्रिंसिपल रिपेमेंट कौन से सेक्शन में जाती है? पढ़े हैं 80C, प्रिंसिपल रिपेमेंट 80C के अंदर जाती है। बताइए फटाफट से कहाँ रह गया हमारा? 80C में ही ऐड करेंगे 1,00,000। अच्छा ध्यान रखना इन सभी को ऐड करके देख लो एक बार कितना हो रहा है। सारे 80C वाले हैं तो कितना है? 1,44,000, जो कि हमारी किससे कम है? 1,50,000 से कम है। तो इस एक बार टोटल डिडक्शन को दोबारा से ऐड करके अगर ऐसे लिख दो तो 162 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 1,62,000 और ये कितना आ जाएगा? 23,30,500, 23,30,500। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? तो इसमें एक दो जगह गलती के चांसेस हैं। और कौन सा क्वेश्चन है? 6, बढ़िया क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैं कुछ बोलूं इसे, क्वेश्चन सॉल्व कराऊं? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सुनो सुनो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, और एज कितनी है उसकी? 31 ईयर्स। आ जाइए 115BAC की प्रोविजन एज पर सेक्शन आपको निकालने, तो नीचे वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, बस टोटल इनकम तक जाना है हमें इस बार, ठीक है। सैलरी के अंदर DNS अलाउंस है तो सैलरी हेड में चला जाएगा। बोनस के अंदर 11,000 है तो कितना चला जाएगा? सैलरी हेड में। सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर कौन से हेड में जाएगा? सैलरी हेड में। रेंट पेड बाय सिद्धार्थ फॉर हिज अकोमोडेशन, तो यहाँ पर हम नहीं जाएंगे, रेंट पेड खुद ने किया है, ठीक है। बिल्स पेबल बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कितना है? 11,000 के। ये सब सैलरी हेड में जाने वाले हैं, ऐड करते जाइए फटाफट से। कितना आ रहा है? 3,69,000 माइनस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर सैलरी एक सेकंड, सैलरी के बारे में और कुछ तो नहीं मिला उसे, उसने फ्लैट परचेज किया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से सेविंग वगैरह है, म्यूनसिपल टैक्स है, हाउस है, स्पेकुलेशन बिजनेस है, और ही हैड गिफ्टेड 30,000 टू हिज वाइफ वगैरह, ठीक है। सिद्धांत गिफ्ट किया है, कंट्रीब्यूशन है, कुछ नहीं, ठीक है। सैलरी हेड में कितना आ रहा है? 3,69,000। 50,000 माइनस करेंगे तो 3,19,000। सैलरी हेड समझ आया आपको? 3,19,000। अब आते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। सिद्धांत ने एक हाउस परचेज किया है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से, कितने का परचेज किया है? 4,75,000 का, अप्रैल में परचेज किया, जो कि उसने फाइनेंस कराया था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से 1,60,000 में 15% के इंटरेस्ट। तो फटाफट से निकालिए 1,60,000 का 15%। अगर उसने लोन रीपे नहीं किया है, तो इस साल तक चल रहा होगा ब्याज, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओन सेविंग से 65,000 लगाए हैं उसने, डिपॉजिट किए नेशनल बैंक में 2,50,000 अपने फ्लैट के लिए, जिसे उसने लीज पे दे दिया। आगे रेंट पेबल बाय द बैंक, बैंक रेंट देगा हमें कितने का? 3,500। तो मेरे लिए तो सीधे सीधे जीए भी, तो 3,500 × 12 करिए फटाफट से कितना आएगा? 42,000। तो 42,000 में से माइनस कर दीजिए म्यूनसिपल टैक्सेस 4,300, जो भी आ गया है उसका 30% निकालिए। 3,500 का रेंट दे रहा बैंक हमें, तो 3,500 × 12 करो कितना आ गया? माइनस करिए उसमें से 4,300 म्यूनसिपल टैक्सेस, जो भी आ रहा है उसमें से माइनस कर दीजिए 30% आ गया। और उसके बाद 1,60,000 का 15% कितना आया था? 24,000। उस 24,000 को माइनस कर दीजिए 23,090। 2,390 ये आपके हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ गए। पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है? पॉजिटिव में, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। सैलरी समझ में आ गया, हाउस प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब चले आगे,
जो जो चीज़ें हम ऊपर कर चुके हैं उसे हम दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। हाउस इंश्योरेंस है, इसके लिए 30% मिल जाता है। उसने अर्न किए हैं 2700 जो कि स्पेकुलेशन बिजनेस के हैं, और लॉस किए हैं 4200 इन कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस। दोनों ही स्पेकुलेशन बिजनेस है, आपस में ही सेट ऑफ होंगे, दोनों स्पेकुलेशन है, ध्यान रखना। तो इनकम किससे है? स्पेकुलेशन से। लॉस किससे है? स्पेकुलेशन। तो 2700 से 2700 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1500 आगे भेज देंगे, तो टोटल इनकम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है इसका। आगे चलते हैं। फिर 2016-17 में उसे गिफ्ट किए थे उसने अपनी वाइफ को और अपने सन को, ठीक है। ही हैड गिफ्टेड 30,000 टू हिज वाइफ एंड 20,000 टू हिज सन, जिसकी एज कितनी है? 11। इसका मतलब माइनर वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। द गिफ्टेड अमाउंट जो है वो एडवांस किए थे राजेश ने, हुआ पेइंग इंटरेस्ट 19%। तो इसका मतलब क्लबिंग वाले प्रोविजन आ गए हैं। तो ये जो गिफ्टेड अमाउंट है किसके हाथ में टैक्स लग जाएंगे? असेसी के हाथ में, या वाइफ के हाथ में, या सन के हाथ में? असेसी के हाथ में। अब दो चीजें हैं इसके अंदर, सुनो जरा ध्यान से। कितनी कितनी अमाउंट है? वाइफ को कितनी दी थी? 30,000। और बेटे को कितनी दी थी? 20,000। और इंटरेस्ट का रेट क्या है? 19%। सुनो जरा ध्यान से, क्लबिंग लगाएंगे नहीं? वाइफ की तो इनकम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है उसने, और ये इनकम नहीं है, पिछले कुछ समय में दिया था उसे। कितनी अमाउंट थी वाइफ को और कितनी अमाउंट थी बताइए फटाफट से। एक जगह वाइफ है और एक जगह माइनर है। वाइफ को कितने दिए थे? 30,000। और उससे ब्याज कितना आ रहा है? 19%। इनकम बताओ, माइनर को बताओ कितने दिए थे? 20,000। इनकम बताओ 19%, 3800। दोनों में से कितने कितने माइनस हो जाएंगे? बस इसमें कुछ माइनस होगा नहीं, ये पूरा पूरा क्लब होगा। और ये अंडर सेक्शन कौन सा है बताओगे? 1032 के अंदर माइनर को 1500 की एग्जेम्पशन देते हैं उसकी इनकम को क्लब करने से पहले। पता है ये चीज़ आपको? बताइए कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2300। तो उसकी इनकम में 5700 भी होगा और 2300 भी होगा, जो कि लास्ट में हम क्लब कर देंगे। समझ आई ये वाली बात? नहीं समझ आई? आगे चलते हैं। और कौन सी अमाउंट है? सिद्धांत को गिफ्ट मिला है 30,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स। आईओएस में कितना चला जाएगा? 1,20,000। उसने कंट्रीब्यूट किया है पीपीएफ में, बताइए कहाँ जाएगा? एटीसी में। बस खत्म हो गया। अब आपको कैलकुलेटर उठाइए फटाफट से। सैलरी वाला कितना आया था हमारा, याद है? 3,19,000। और हाउस प्रॉपर्टी वाला आया था 2,390। ये अमाउंट लिखिए फटाफट से, 3,19,000 प्लस 2,390, यही आया था? चेक कर लेता हूँ, हाँ 2,390 यही आया था। अब उसमें ऐड करिए आप फटाफट से, 5,700 प्लस 2,300, ठीक है। उसके बाद 1,20,000 ऐड करिए, और लॉस वगैरह तो सेट ऑफ हो गए होंगे हमारे पहले ही। ये जो भी इनकम आई है आपकी, उसकी जीटीआई बताइए फटाफट से मुझे। 2,300 के बाद 5,700 ऐड करना था और 2,300 ऐड करना था, ये कर लिया है। उसके बाद 1,20 ऐड करना है, कितना आया था आपका? 4,49,300। हाँ 1,20 नहीं आएगा, 30,000 है और 4 फ्रेंड्स है, हाँ इसलिए 4,49,390। इसमें से ये जीटीआई आई है, टीआई आई है, जीटीआई है। इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे कितने की? 50,000 की माइनस करिए, 4,49,390 आना चाहिए पहले, और उसके बाद जब आप ATC के अंदर डिडक्शन दे देंगे तो 3,99,390 आ जाने चाहिए। माइनस करने के बाद ये इनकम आ जाएगी। और टैक्स कैसे निकाला था मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। समझ आया क्वेश्चन आपको? समझ में आ गया पक्का? ठीक। टोटल कितने क्वेश्चन थे इसके अंदर? 11 क्वेश्चन थे, और मैं कराते कराते कहाँ तक आ गया हूँ? 8 तक, जिसमें से लास्ट का क्वेश्चन मैं फुल फ्लेज करा चुका हूँ। कौन सा वाला बताओ? बताना कौन सा? SEZ वाला, वो पूरा पूरा सॉल्व कर चुके। तो इसका मतलब अब हमारे पास इफेक्टिवली कितने क्वेश्चन बचे हैं? 3, 8, 9 और 10। 11 में करा चुका हूँ, क्या ये बात समझ में? तो एक दो क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? तीनों कर लोगे, पढ़ लें एक बार। मुझे पता है दिक्कत क्या है, किए थे हुए नहीं, करा दो। तो जो काम मैं अभी करा सकता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा आपसे, आप कर सकते हैं। रामदीन का एज कितनी है? रामदीन की 33 साल, मैनेजिंग सेल्स वगैरह में काम करता है वो। बेसिक सैलरी है उसके पास 15,000 पर मंथ। DA भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है, टर्नओवर, बोनस, ग्रेचुटी, क्या ये एक तरीके से सैलरी का ही क्वेश्चन है?
क्या ये बात समझ में आई? चलो सैलरी वाली बात है तो बताओ ग्रेचुटी पे कितने की डिडक्शन मिलेगी, जल्दी से बताए, एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? एक तो कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट था, एक नॉट कवर्ड था, 15 × 26 = 15 × 15 = 20 बर्बाद सैलरी, सैलरी बर्बाद। ये जो भी आप कह रहे हैं इसमें से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है कि वो रिटायर हो रहा है, इसलिए फुल्ली टैक्सेबल। ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल, ग्रेचुटी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट वो होता है। टेबल याद है थोड़ा बहुत? हेलो, सैलरी हुआ करती थी एक जमाने में, याद है? ठीक है, सैलरी है, सैलरी चैप्टर में ना, हाँ ग्रेचुटी के बाद ही तो था वो, है ना? फुल्ली टैक्सेबल, सुनना जरा ध्यान से। उसने खुद कंट्रीब्यूशन किया है आरपीएफ में, बताओ क्या करूंगा इनकम में, क्या इनकम में ऐड होगा? आंसर इज नो, लेकिन क्या नीचे माइनस हो जाएगा, नीचे जाके एटीसी में? हाँ। बताया था ये मैंने आपको, तो ये डिडक्शन मिल जाएगी इसकी, इनकम में ऐड नहीं होगा। एम्प्लॉयर वाला क्या ऐड करेंगे इनकम में? यस, 20% ऑफ बेसिक सैलरी पूरा पूरा ऐड करेंगे, लेकिन 12% ऑफ बेसिक प्लस डीएएफ प्लस परसेंटेज बेस टर्नओवर को माइनस कर देंगे, आरपीएफ में मिलता था हमको। करा दूं या पहले प्रोविजन देखोगे? प्रोविजन देख के करोगे, कर लोगे क्या? पहले मेरे समझ में आया क्या कह रहा है ये? क्या करेंगे इसमें से 12% माइनस करेंगे, कितना इनकम में ये पूरा पूरा ऐड कर देंगे, और पूरा पूरा ऐड करने से पहले हम 12% माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट, कितना 12% ऑफ किसका? बेसिक प्लस डीएएफ प्लस परसेंटेज बेस फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर। क्या ये बात समझ में आई थोड़ी बहुत? ये वाला पॉइंट तो आप बता सकते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 15% के रेट से और अमाउंट 12-15 हज़ार है, इसमें था 9.5%, 12% ऊपर लिखवा दिया मैंने। ₹5,500 पे टैक्स लगेगा, 13,000 से 9,500 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, 5,500 पे टैक्स लगेगा। इधर 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 बस बस बस। गोल्ड रिंग जो है, गोल्ड रिंग ₹10,000 की तुम्हारे एम्प्लॉयर ने दिए हैं। अब दोबारा सुनो, रुको रुको, एम्प्लॉयर से जो गिफ्ट मिलता है उसकी लिमिट होती है 5,000, 50,000 नहीं होता, बस पूरे 10,000 पे टैक्स लगेगा। फर्स्ट टाइम वेडिंग एनिवर्सरी नहीं होती, फर्स्ट टाइम वेडिंग होती है। कहां से आ गए बच्चे, पहली कभी नहीं मिलती नालायक। अब आगे रुको रुको रुको, अब आगे परक्विजिट्स पे। म्यूजिक सिस्टम दिया है 1 तारीख को ही कंपनी ने, जो कि कंपनी ने खुद खरीदा होगा। मारवा ना कॉल वाले को भी, दो बताओ जरा ध्यान से, अगर ये म्यूजिक सिस्टम कंपनी ने खरीदा है तो मेरा फायदा क्या पूरे साल में? बताओ बताओ, अगर ये कंपनी ने रेंट पे लिया होता तो जो कंपनी रेंट पे कर रही है वो मेरा फायदा होता, और अगर कंपनी ने रेंट पे नहीं लिया तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इज द बेनिफिट टू द एसएससी, 8,500। थोड़ा बहुत छोड़ आगे। टू ओल्ड लाइट गुड्स व्हीकल ओन कर रहा है वो, स्पेशल इनकम याद है पीजीबीपी की 44AE वाली, 1,000 × 10 वही वाली 7500, चलो कम से कम ये तो याद है, 7500 इंटू 2 × 12 बताइए कितना आएगा? 1,80,000 तुम्हारी पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, ये पीजीबीपी का पॉइंट। आगे रिसीव्ड मिला है तुम्हें, इंटरेस्ट मिला है एफडीआर वगैरह, और इंटरेस्ट मिला है तुम्हें नेट डिबेंचर कंपनी से, बताइए आईयूएस में जाएगा और नेट करके मिला है, इसका मतलब क्या है? आप 10% को नीचे, मतलब नीचे 90% से डिवाइड करके आईयूएस में से ऐड कर देंगे। तुमने पेमेंट की है चेक से, तुम्हें प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 22,500, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड स्पाउस कितना माइनस कर देंगे? अज्यूम कर लेंगे परसेंटेज के अंदर 22,500, कौन से सेक्शन के अंदर लाइफ इंश्योरेंस है, कौन से वाला है? 80C वाला,
लाइफ इंश्योरेंस है। जो ऊपर वाला पॉइंटर भी गया वो क्या था, व्हीकल वाला जो उसमें फिक्स चार्जेस 6500 है वो माइनस उसका नहीं होगा, वो तुम कह रहे हो कि 6500 है फिक्स चार्जेस के लिए हम देते हैं, लेकिन हमने कहा था प्रेजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम, तुम कितना ले रहे हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम 7500 फिक्स रेट से इनकम मानते हैं। क्या बात समझ में आई? आगे इन्वेस्ट किया तुमने 90 कौन सा ATD में, ATC में जाएगा, और FDR SBI ये दोनों किस में जाएंगे, ATC में, और टोटल मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। आगे डोनेशन की है 11000 की, इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर ATG और 5100 प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर वाला कौन सा वाला है, 100% प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, 100% वाला कैटेगरी ए, और 80G वाला कौन सा है बताओगे जरा, ये एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी इसके लिए, एडजस्टेड GTI, ये तो तुमने लेटेस्ट किया है, एक बार क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, एडजस्टेड GTI निकालेंगे, उसके बाद कौन सा वाला, ये डोनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, फिर उसका अब परसेंटेज निकाल के देखेंगे और देखेंगे कौन से वाला इसमें से होगा लास्ट में ख़त्म। ये है क्वेश्चन बढ़िया वाला, ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क, बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे कहो तो मैं करा दूं लेकिन आपको प्रोविजन याद नहीं है, करा दूं क्या, कर लोगे एक बार प्रोविजन, इसी बहाने रिवाइज भी हो जाएंगे। ये छोटा सा, ये सैलरी का ही क्वेश्चन है एक तरीके से, देखिए रिटायर हो रहा है 26 साल 1 महीने है, ठीक है सैलरी मिल रही थी, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा था, रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी भी मिली है, एक्यूमुलेटेड लीव है, ये क्वेश्चन हम सैलरी वाले कर चुके हैं, आपको बस एक बार प्रोविजन पढ़ने की जरूरत है, पढ़ के हो जाएगा, कहोगे तो मैं करा दूँगा, जल्दी से बताइए करा दूँ, या ऐसे क्वेश्चन सैलरी में किए हमने काफ़ी सारे किए हैं, मैं करा दूँ क्या, नहीं हाँ तुम मुझे ही कराएं तो मैं तभी करा दूँगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, कान में मारूं खींच के सौ करके लाना ऐसे। प्रोविडेंट फंड में 1,00,000 रुपए जमा किए हैं, बताओ क्या करेंगे, इट इज सी, कुछ नहीं क्वेश्चन, हल्का सा क्वेश्चन, इसे भी लिखो होंगे, ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, पूरे कराए हुए हैं क्वेश्चन, सैलरी वगैरह सब, जी सैलरी क्वेश्चन है, ये सैलरी नहीं की तुमने अभी, हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन नहीं आता, ये 10th क्वेश्चन है, रोजी वगैरह जो भी हैं, ये स्कोप वाला क्वेश्चन है, याद है पहला वाला चैप्टर, 3 क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, बस 11वां क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी पूरा बड़े ध्यान से करने हैं सारे क्वेश्चन, कॉपी में नोट वगैरह बना के कल चेक करूँगा मैं, आज अच्छा खासा काम है आपके पास, ध्यान से करिएगा नोट वगैरह बना के, ठीक है, ये दोनों फाइल शेयर कर दो, हाँ दोनों फाइल शेयर, हाँ जी बंद कर देना।